थोड़ा आगे आओ यार, आज से बोलूँगा फिर नीचे वाले शिकायत करते हैं। आगे आ जाओ तो क्या हो जाएगा, खुश हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं। सो यू इफ आई आस्क यू व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास, कुछ याद है किसी को? क्या क्या टॉपिक तो याद है या वो भी नहीं याद? कितने लोग हैं जो आज आए हैं उस दिन नहीं थे, YouTube पे भी नहीं देखा? बहुत बढ़िया, गुड। सो बेसिकली वी वर डिस्कसिंग यूनिट 3, हम यूनिट 3 डिस्कस कर रहे थे, क्रिएटिविटी जिसकी हम बात कर रहे थे, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। एंड इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस सम ऑफ द टेक्निक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन। आइडिएशन की हमने बात की कि हाउ आइडियाज आर जनरेटेड, कैसे कुछ लोगों को आइडियाज आते हैं और कुछ लोगों को आइडियाज नहीं आते हैं, क्या डिफरेंस है, एंड हाउ पीपल आर एबल टू जनरेट द आइडियाज। बेसिकली दैट वॉज द टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड। वी डिस्कस्ड, इफ यू रिमेंबर, ब्रेनस्टॉर्मिंग की हमने बात करी, उसके अलावा हमने बात की माइंड मैपिंग की, देन वी डिस्कस्ड अनदर टेक्निक, वी कॉल दैट स्कैम्पर, इफ यू रिमेंबर। स्कैम्पर के बाद एक और टेक्निक जिसकी हम बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं डिजाइन थिंकिंग। डिजाइन थिंकिंग अपने आप में एक टेक्निक है। डिजाइन थिंकिंग की जब भी मैं बात करता हूँ, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको मार्केटिंग वाला एक छोटा सा क्विक रिकैप देता हूँ। अगर आप लोगों को याद है, इफ यू रिमेंबर, व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, वी स्टार्टेड फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। याद है किसी को, मार्केटिंग पढ़ा आप लोगों ने ना? व्हाट इज द यू नो द आइडिया ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन? इट वॉज द इनिशियल डेज ऑफ यू नो व्हेन द बिजनेस स्टार्टेड। क्रक्स वॉज क्रिएट, डेवलप वट एवर यू वॉन्ट, यू आर एबल टू डेवलप, प्रोड्यूस दैट इन द मास प्रोडक्शन पे फोकस था, मेक योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अवेलेबल टू द यूजर्स एट चीपर प्राइसेस। ये वो दौर था जब ये कहा कि आप कुछ भी बनाना, जो भी आपको बनाना आता है वो बनाओ, बनाओ और अपना जो भी आपकी मार्केट है उस मार्केट तक उसके नियर बाई पहुंचाओ उसको, और कोशिश करो कि उसकी कीमत कैसी रहे, कम रहे, पीपल विल बाय दैट। दिस वॉज द कॉन्सेप्ट व्हेन देयर वॉज नो कॉम्पिटिशन एट ऑल। सडनली व्हेन मोर देन वन पीपल फॉलो द सेम पॉलिसी कि ठीक है चीजें बनाओ, मास प्रोडक्शन करो, उनको इजिली लोगों तक पहुंचाओ, इजिली मार्केट में अवेलेबल करवाओ, तो लोग अपने आप खरीदेंगे। मैं भी यही कर रहा हूँ, आप भी वही कर रहे हो, हर कोई यही कर रहा है, देन देर इज अ फील ऑफ कॉम्पिटिशन। एंड देन द मार्केटियर दे रियलाइज द एंटरप्रेन्योर्स, वी कैन से इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस, देन दे रियलाइज दैट इफ आई वॉन्ट टू गेट एज ओवर माई कॉम्पिटिटर्स आई नीड टू फोकस ऑन क्वालिटी रादर क्वांटिटी। हम क्वांटिटी की बजाय हम किस चीज़ पे बात करेंगे, हम बात करेंगे क्वालिटी की। देन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट इमर्ज्ड। They realize that ki mere making your product available at the cheaper prices and nearby to the market is not going to serve the purpose. That will not fetch the desired market for you because every X person is doing the same thing. So you need to do different. That's why they came with the idea of product where the focus is on quality. Pehla jo concept tha production, there the focus was on quantity. Now in the product concept, the focus is on quality. Ki theek hai XYZ, सब लोग एक तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बेहतर बनाऊंगा, आई मेक इट बिट यू नो प्रीमियर में बनाऊंगा तो लोग इसको खरीदेंगे, क्वालिटी जो है अच्छी दूंगा तो लोग खरीदेंगे। दिस वॉज द कॉन्सेप्ट, इसको मार्केटिंग की जर्नी भी कहा जाता है। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से आए हम प्रोडक्ट पे। डिजाइन थिंकिंग को समझाने के लिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ, आप समझिएगा इसका कॉन्टेक्स्ट। देन कम्स कि मैं क्वालिटी बना रहा हूँ, आप भी क्वालिटी बना रहे, एवरीबॉडी इज मेकिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, लोग फिर किसका खरीदेंगे? Then emerges the concept called selling concept. और selling concept का idea क्या है? ये कहता है कि if you leave your customers alone, either they will not buy, or if they buy less. या तो वो खरीदेंगे ही नहीं, या फिर खरीदेंगे तो कैसा खरीदेंगे? कम खरीदेंगे। तो इसलिए उन्होंने, आपको मैं एक example देता हूँ। आप shopping करने जाते हो किसी भी store पे। If the salesperson, sales you know people, they are not accompanying you, you are the you know decider. आप अपने आप से डिसाइड करने वाले हो। आप जाते हो, आपको कोई चीज़ पसंद आती है, आप लगते हैं कि ठीक ठीक है,
फिर आप ये सोचते हैं कि चलो चार दुकानें और देखता हूँ, अगर वहाँ कुछ ठीक नहीं लगेगा तो मैं ये देख लूँगा. यू हैड यू नो कम्प्लीट राउंड ऑफ द स्टोर एंड क्वाइटली एग्जिटेड. आपने आए, सब कुछ देखा, खरीदा नहीं और चले गए. तीन दुकान छोड़ के अगर कहीं पे एक ऐसा सेल्स पर्सन जिसने रखा है कि आपके आते ही उसने एक तो आपसे अच्छे से बात कर ली और आपको बोला कि यस सर प्लीज़ टेल मी हाउ आई कैन हेल्प यू, तो आपने कहा कि मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें चाहिए और उसने आपके मतलब की चार चीज़ें निकाल के दिखा भी दी, और जब आप ट्राई रूम से बाहर निकले उसको पहनते हुए आपने देखा तो उसने कहा कि ओ सर यू नो यू लुक्स ऑसम, ऐसा लग रहा है कि ये शर्ट तो बनी ही आपके लिए है. ये एक स्टेटमेंट देना इसने आपको क्या कर दिया, जो बाई बटन जिसको हम बोलते हैं ना कंज्यूमर बिहेवियर में, कि आपको जेब से पैसे निकाल के देने के लिए उसने क्या कर दिया, इंड्यूस कर लिया, मजबूर कर लिया. दिस इज द सेलिंग कॉन्सेप्ट कि डोंट लीव योर कस्टमर अलोन, व्हेनेवर दे एंटर टू योर डोमेन देयर योर प्लेस अकॉम्पनिंग देम, प्रोवाइड देम ऑल यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड हेल्प देम टू मेक देयर चॉइसेस एंड गिव देम फीडबैक, इंस्टेंट फीडबैक. आप पहन रहे अरे सर थोड़ा बड़ा लग रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास दूसरा छोटा भी है उसका पीस, आप उसको वो दिखा रहे हो. सेलिंग कॉन्सेप्ट तब आया जब सब लोग क्वालिटी की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट तब खरीदेगा जब आप उसको बेचोगे. बेचने का मतलब क्या है, व्हेन यू विल अकॉम्पनी देम, व्हेन यू विल असिस्ट देम विद द ऑल रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन. फर्स्ट वॉज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सेकेंड वॉज प्रोडक्ट. प्रोडक्शन वॉज टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी, मास प्रोडक्शन. देन केम प्रोडक्ट. प्रोडक्ट वॉज टेलिंग यू क्वालिटी, ऐसे नहीं कि कुछ भी बना दो, जो भी बनाओ अच्छा बनाओ, कस्टमर को पसंद आएगा. अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओगे तो योर प्रोडक्ट विल सेल इटसेल्फ, ये उनका सोचना. फिर जब सब लोग क्वालिटी बनाने लगे तो ये कहा कि तब बिकेगा माल जब आप साथ में बेचने लग जाओगे. देन केम दिस सेलिंग कॉन्सेप्ट. सेलिंग कॉन्सेप्ट भी नो देन एवरीबडी इन द मार्केट एक्स वाई जी कोई भी हर कोई इसको जब फॉलो कर रहा है देन यू नीड टू डू समथिंग डिफरेंट, तब आपको कुछ और नया करने की बारी आती है. देन केम दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. मार्केटिंग का बेसिक मीनिंग क्या है, व्हाट इज मार्केटिंग. मार्केटिंग इज एवरीथिंग विच स्टार्ट्स फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स एंड वॉन्ट्स ऑफ द मार्केट एंड सेटिस्फाइंग दीज नीड्स एंड वॉन्ट्स. सारी चीज़ें मार्केटिंग में आती हैं. कहा कि सेलिंग से भी काम नहीं चलेगा, सेलिंग में आपको जोर लगाना पड़ता है कि मैंने ये चीज़ बनाई है भैया इसको खरीदो, इसमें ये अच्छा है ये अच्छा ये अच्छा आपको बताने की जरूरत पड़ती है, तब जाके आप उम्मीद करते हैं कि आपका कस्टमर आपके मार्केट आपका प्रोडक्ट खरीदेगी. मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पहले देख लो, समझ लो कि यूजर को चाहिए क्या, व्हाट एक्चुअली योर कस्टमर इज लुकिंग फॉर एंड क्रिएट और डेवलप एंड प्रोड्यूस द थिंग्स व्हाट दे आर लुकिंग फॉर. ये है मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट. कमिंग बैक टू द डिजाइन थिंकिंग, डिजाइन थिंकिंग भी यही कहती है. आज हमारे आसपास कितनी ही सारी ऐसी चीजें हैं, कितनी ही सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने देखा कि जिसका रूप बदल गया, जिसकी शेप बदल गई, जिसका डिज़ाइन बदल गया, जिसका मॉडल बदल गया, बहुत सारी चीज़ें बदल गई. क्यों बदली, क्योंकि हमारी मींस मार्केट, मार्केट के डिमांड, मार्केट की जो उनकी जो ज़रूरतें हैं वो क्या हो रही हैं, दैट इज़ फ्रीक्वेंटली इवॉल्विंग, चेंज हो रही है, इवॉल्व हो रही है, और अकॉर्डिंगली वो क्या कर रहे हैं, नई नई चीज़ें बना रहे हैं. आर यू गेटिंग मी. शुरू करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, इट्स अ 7 मिनट्स वीडियो. साउंड नहीं भी चलेगा तो अपना काम चल जाएगा, लेकिन ये वीडियो हमें क्या बताता है, ये हमें पूरी डिज़ाइन थिंकिंग जो है हमारा उसके बारे में पूरा आइडिया दे देगा कि बेसिकली डिज़ाइन थिंकिंग है क्या. आप देख पा रहे हैं.
ये वो मॉडल है जिसमें पहली बार इंसान खुद से चला सकता है, अदरवाइज इससे पहले जितने भी मॉडल आए उसमें somebody was helping, right? क्या हो गया इसको? ओके, ये है पहला मॉडल जिसको, जिस तरह की व्हीलचेयर आज हम देखते हैं, ये 1901 में ये मॉडल आया, बेसिक जिसको हम कहते हैं। इसके बाद इसमें भी इवोल्यूशन हुई है, आगे क्या क्या हुआ आप देखिए इसमें। बीच में कनेक्शन छोड़ रहा है, क्या हो गया इसको? ये वाली चेयर आई जिसमें लाइट वेट की बात की गई, फिर जिसको फोल्ड भी किया जा सकता है। ₹2006 में एक ऐसा भी दौर आया कि जब उन्होंने कहा कि इसको हम सीधा जो है माइंड से कनेक्ट करेंगे।
ओके, गेटिंग बैक टू द बिजनेस नाउ, क्या ऑब्जर्व किया आप लोगों ने? व्हाट वाज योर ऑब्जर्वेशन एंड व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट, आपको क्या चीज लगा? इवोल्यूशन तो पूरा मतलब जर्नी दिखाई उसने. हैव यू सीन दैट बेसिक व्हील चेयर विच वॉज स्टार्टेड वे बैक? तब से आज जो व्हील चेयर हमने देखी, जो कि स्टेयर्स को या किसी भी सरफेस पे आराम से चल रही है, वो इवोल्यूशन जो हुआ है, वो जो डेवलपमेंट उस प्रोडक्ट में हुई है, किस वजह से हुई है मुझे बताओ? टेक्नोलॉजी, डिमांड, कस्टमर नीड्स और चेंज इन थिंकिंग, कॉम्पिटिशन, सारी चीजें आप लोगों ने बोल दी. बेसिकली अगर आप देखेंगे यहां पे जो जितनी भी चेयर शुरू से लेकर हमने देखी, उन सारी चीजों, सारी चेयर को बनाने के पीछे क्या है, कौन उस चेयर को यूज करने वाला है, उसका क्या पर्सपेक्टिव है, व्हाई दैट चेयर इज रिक्वायर्ड, उसके हिसाब से आपका प्रोडक्ट क्या होता गया, इवॉल्व होता गया. जो बेसिक है, बेसिक से आप एडवांस, एडवांस इमेजिन करना मुश्किल है कि किसी ने यह भी सोच लिया और ऐसा भी कर लिया कि चेयर जो है वो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होगी, कि मैं सोचूंगा कि चलेगी वो चलेगी, मैं चाहूंगा कि वो रुके वो रुकेगी. कैन यू इमेजिन दिस? हर चीज में आपने देखा कि हाउ दैट प्रोडक्ट इज डेवलप्ड, हाउ दैट प्रोडक्ट इज इवॉल्व्ड, उसके पीछे लॉजिक सिर्फ एक ही चीज है, हु इज गोइंग टू यूज दैट, किसको उसकी, जो मतलब यूजर कौन है, उसकी जरूरत क्या है. आपने एक चीज देखा, आज की जो व्हील चेयर है वो स्टेयर्स पे भी चढ़ रही है, उतर रही है, सारी चीजें कर रही है, जबकि शुरुआत के दिनों में जो व्हील चेयर थी उसका पर्पज भी ये नहीं था. शुरुआत के दिनों में व्हील चेयर जो बनाई वो उसका पर्पज, आज जिस पर्पज से हम सोचते हैं, ऐसे ही मुझे एक और चीज बार बार ध्यान में आती है, स्ट्रेचर देखे ना हमने हॉस्पिटल्स में, इमरजेंसी में यूज होती है स्ट्रेचर. बेसिक जो स्ट्रेचर रहा होगा किसी जमाने में जब शुरू हुआ होगा, वो भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा, लकड़ी का होगा, कपड़े का होगा, कुछ भी होगा, वहां से चलते चलते आज ऐसे ही हाइड्रोलिक एडवांस टेक्नोलॉजी वाले स्ट्रेचर्स हैं, जिनको आपको एम्बुलेंस में चढ़ाने और उतारने में कोई जरूरत ही नहीं, मेहनत की जरूरत नहीं. चेयर, व्हील चेयर की हम बात कर रहे हैं, जहां पे एक इंडिविजुअल जो है ना, सी इफ देयर इज अ डिसेबल पर्सन जिसको ये रिक्वायरमेंट है, अगर ये ऑटोमेटेड टाइप में, सेल्फ कंट्रोल टाइप में नहीं हो तो क्या होगा? स्टिल द डिपेंडेंसी ऑफ दैट इंडिविजुअल इज ऑन समवन एल्स. तो किसी ने तो ये सोचा ना कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं कि वो जो इंडिविजुअल जो चल फिर नहीं पा रहा है, जिस जो एक्चुअल में इसको यूज करने वाला है, वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट ना रहे. सोशल मीडिया पे आज कितने ही सारे पोस्ट, कितनी ही सारी चीजें अपने को देखने को मिलती हैं, ऐसे कितने सारे प्रोडक्ट्स हमारे सामने आते हैं जहां पे हम देखते हैं कि यार वाकई ही एडवांस लेवल हो चुका है. एक इंडिविजुअल जो बेड पे है, बेड रिडन है, उसको बेड से उठ के वॉशरूम जाना, बाहर जाना, मार्केट जाना, सारी चीजें वो कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दीज एडवांस्ड प्रोडक्ट्स, एडवांस्ड डिजाइंस. इसको कहते हैं डिजाइन थिंकिंग. डिजाइन थिंकिंग की जब हम बात कर रहे हैं, डिजाइन थिंकिंग इज अ ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच. इसकी क्वालिटी, इसकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है ना, जो इसका क्रक्स या कोर कह दो, उसका कोर ही यही है कि ये जो डिजाइन है वो ह्यूमन सेंट्रिक होते हैं. मतलब जो यूजर है उसको सेंटर में रख के उसके हिसाब से ये बनाया जाता है. इफ आई आस्क यू जस्ट ऑब्जर्व दिस रूम ओनली, यू विल सी सो मैनी थिंग्स विच वर डेवलप्ड इन दिस रूम, जस्ट कीपिंग इन द माइंड कि हु आर गोइंग टू यूज दिस रूम एंड फॉर व्हाट पर्पज, एंड अकॉर्डिंगली दिस रूम इज डेवलप्ड डिफरेंटली देन द मोस्ट ऑफ द अदर रूम्स. Can we have a look and can we figure out what are the unusual things you find here? Start. Socho. Huh? Projector. Lighting. Seating arrangement. ये जो theater type में बनाया है ना, क्यों normal क्यों नहीं है ये? ताकि last वाले individual को भी ये चीज दिखे, visibility बनी रहे, contact रहे. Whosoever is going to speak from here, उसके लिए ये डाइस भी बनाया है इन्होंने. कैन यू इमेजिन? ये है डिजाइन थिंकिंग. हम ये देख रहे हैं कि कोई भी प्रोडक्ट, बी इट इज रूम, बी इट इज हॉल, एनीथिंग, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस,
उस लिहाज से, उस एंगल से हम डेवलप करते हैं कि हमारा जो यूज़र है उसका एक्सपीरियंस कैसा हो, बेस्ट हो। इसलिए इस रूम को अगर आप देखोगे, दो एग्जिट रखे हैं इन्होंने, विंडोज इस तरफ हैं, फैंस इतने सारे लगे हुए हैं, सीटिंग अरेंजमेंट की आपने बात कर दी, सीटिंग अरेंजमेंट में भी आप देखो क्लासरूम टाइप ऑफ सीटिंग जिसे हम कहते हैं राइटिंग के लिए पूरा यहाँ पे पोडियम दिया, हर चीज़ जो है ना उसके पीछे एक लॉजिक है, और वो लॉजिक किस चीज़ के, किसके अराउंड घूम रहा है, दैट लॉजिक इज वॉल्विंग एंड रिवॉल्विंग अराउंड द यूज़र, बीड इज टीचर और अ स्टूडेंट, उन दोनों को, क्योंकि दो बेसिकली अगर ये रूम टीचर के लिए फ्रेंडली नहीं है अगर, और स्टूडेंट जो यहाँ बैठने वाला, जो लर्नर यहाँ बैठने वाला है उसको अगर ये हेल्प नहीं करता है तो ये वेस्ट है फिर। इसका मैक्सिमम और बेस्ट यूटिलाइजेशन तब है जब ये लर्निंग टीचिंग प्रोसेस को क्या कर रहा है, ये एनहेंस कर रहा है उसके एक्सपीरियंस को। इसीलिए कहा गया कि डिजाइन थिंकिंग इज अ ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इनोवेशन दैट प्रायोरिटाइज अंडरस्टैंडिंग द नीड एंड एक्सपीरियंस ऑफ पीपल हुम द सॉल्यूशन इज डिजाइंड। इट्स अ माइंडसेट एंड सेट ऑफ टेक्निक दैट कैन बी अप्लाइड टू द वेरियस चैलेंजेस फ्रॉम प्रोडक्ट एंड सर्विस डिजाइन टू प्रोसेस इंप्रूवमेंट एंड सोशल इनोवेशन। ऐसा नहीं है कि डिजाइन थिंकिंग का मतलब है कि खाली डिजाइन के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, ये इससे आप प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हो, इससे आप सर्विस डिजाइन कर सकते हो, यू कैन डेवलप डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस कि आप यूजर को देखते हुए उसके हिसाब से नई चीजें ऐड करना, नया प्रोसेस इवॉल्व करना, नए टेक्निक को अडॉप्ट करना उसके हिसाब से। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है डिजाइन थिंकिंग का, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है टू मेक दी यूजर एक्सपीरियंस बी बेस्ट, कि जो भी यूजर है, जो भी उस प्रोडक्ट को यूज करेगा उसका एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, दी बेस्ट होना चाहिए। और वो दी बेस्ट कब होगा, एक्सपीरियंस दी बेस्ट कब होगा, जब पूरा का पूरा प्रोसेस, पूरा का पूरा डिजाइन उस एक इंडिविजुअल को ध्यान में रखते हुए बनाया गया हो। आर यू गेटिंग मी? हमारे आसपास ऐसे लाखों एग्जाम्पल्स हैं जिसको जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि यार हाँ, ये छोटा सा इसमें जो ये चेंज है ना इस प्रोडक्ट में, छोटी सी जो मॉडिफिकेशन है वो किसी स्पेसिफिक पर्पज से है, और वो स्पेसिफिक पर्पज से क्यों है, क्योंकि उससे क्या होता है, यूजर का एक्सपीरियंस बेटर होता है। अगेन, पानी की बॉटल मेरी क्लास में बहुत यूज होती है। इसका डिजाइन देखो, वाई दिस बॉटल का जो नेक है ये ऐसा नैरो क्यों है, जब क्योंकि जब कोई पानी पिएगा तो उसको ये इतना उतना ही मतलब वाइड क्यों नहीं जितना इसका बेस है, क्योंकि उसको पानी पीने के लिए क्वांटिटी लिमिटेड क्वांटिटी में उसके ऊपर, तो ये उसके पीछे ना फिलॉसफी है, उसके पीछे डिजाइन है, इंजीनियरिंग पूरी है हर चीज इसका। डिजाइन आप देखोगे यहाँ पे इसका ये जो वाई दिस शेप इज लाइक दिस सो दैट पीपल कैन होल्ड इट, फिसले नहीं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी सर्विस में इसलिए इंक्लूड की जाती हैं टू मेक द यूजर एक्सपीरियंस द बेस्ट। Why this technique is important और ये कैसे काम करती है उस चीज पे हम बात करते हैं। If you can see, design thinking को जब भी define किया गया ना, इसके पांच steps या पांच जो इसके elements बताए गए। The very first is empathize, second is define, third is ideate, fourth is prototype and fifth is test. It is a continuous process. Now let's see, one by one we'll try to understand. I guess पिछली क्लास में भी हमने थोड़ी देर बात तो की थी एम्पेथाइज करने की, फिर भी जो लोग नए आए हैं, if I ask you, what is your understanding? Empathize से आपका मतलब क्या है? राइट, कीपिंग अदर्स पर्सपेक्टिव इन माइंड कि वो क्या फील कर रहा है, उसका क्या तकलीफ है, उसकी क्या दर्द है। इसे ना जनरली जब भी हम बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई यू नो जस्ट बी इन देयर शूज, कि उनके जूते में, अरे भाई मतलब है कि भाई वो किस कंडीशन से है, वो किस तरह से, किस कंडीशन में वो सफर तय कर रहा है अपना, उसके लाइफ में अप्स एंड डाउन कितने हैं। ये जो आपको मैंने व्हील चेयर दिखाई है, उस पूरी व्हीलचेयर की जर्नी में अगर आप देखेंगे, दिस जर्नी ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ व्हीलचेयर इज फुल ऑफ एम्पथी,
पूरी तरह से एम्पथी से है। शुरुआत में जब बनाई कोई उसको पुश करने के लिए उस हिसाब से बनाया, क्योंकि बंदा चल फिर नहीं सकता है, उस वक्त बंदे का जो दिमाग था उसको लगा कि यार कोई ऐसी चीज बनाएंगे, अदरवाइज क्या है। सी इफ अ डिसेबल्ड पर्सन इज विद यू एंड यू नीड टू कैरी हिम फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, व्हाट इज द सॉल्यूशन? यू हैव टू कैरी ऑन योर शोल्डर, ऑन योर आर्म्स, पीठ में उठा के कैसे भी लेके जाना है। तो कोई आया कि नहीं यार इसको ना लेट्स मेक इट ईजी, क्योंकि जो पीठ में उठा के लेके जा रहे वो उसके लिए भी तकलीफ है। तो ही केम विद दैट आइडिया कि पुश करने वाला। फिर थोड़ा और सोचा, सारी की सारी जर्नी जो है वो एम्पेथाइज्ड मैनर में है हर बार। और डिजाइन थिंकिंग का बेसिक प्रिंसिपल ही ये है कि ये जब कभी भी आप कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस जब आप बनाने जा रहे हैं, कीप यूजर्स पर्सपेक्टिव ऑलवेज एट सेंटर। यूजर का पर्सपेक्टिव हमेशा सेंटर में रखो, उसके अराउंड अपने प्रोडक्ट को बनाओ, उसके अराउंड अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिजाइन करो, डेवलप करो। होगा क्या, what is the, you know, why empathy is important? Just imagine, while we are creating, developing any product and we miss the concept or this element of empathy, tab kya hoga? Kya hoga tab? Haan? Kya hoga sir tab? Aap dono se pooch raha hoon. Thoda empathize karo mere saath. Kya hoga agar hum koi bhi cheez banayenge jisme hum empathy wala element hata denge to kya ho jayega? प्रोडक्ट के फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि वो मेरी अपनी कल्पना है। मैं सामने वाले को क्या चीज़ चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ को मैं फील ही नहीं कर रहा हूँ, उस चीज़ को मैं ध्यान ही नहीं रख रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट था, ये जो कॉन्सेप्ट चलता था, ये चलता था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में कि मुझे जो चीज़ अच्छे से आती है मैं वही बनाऊँगा। मुझे पराठे बनाने आते हैं, अब मैं साउथ इंडिया में किसी भी देश में कहीं पर भी हूँ, मुझे पराठे बनाते हैं, मैं पराठे ही बनाऊँगा। अब लोग उसको पसंद करें या नहीं करेंगे अलग कहानी है। ऐसे में चांसेस क्या है कि हो सकता है मेरे परांठे का ढाबा बंद हो जाए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो इटालियन पास्ता वास्ता टाइप लोग खाना पसंद करते हैं, एंड आई एम सर्विंग देम टिपिकल परांठा ना। और यही चीज़ अगर मैं पंजाब और नॉर्थ में करूँगा तो शायद बल्ले बल्ले, नहीं तो बंद होने के पूरे चांसेस। दैट्स वाई एम्पथाइजिंग इज इम्पॉर्टेंट। हु इज योर यूजर, आइडेंटिफाई देम, ट्राई टू फिगर आउट वट यूअर प्रोडक्ट इज गोइंग टू गिव देम, Why people will pay? जाहिर सी बात है हम लोग entrepreneurship की क्लास कर रहे हैं, हमारा ultimate objective क्या है? Business बनाना है। और business बनाने के लिए हमने क्या करना है, या तो हम product बेचेंगे या service बेचेंगे, इन दो ही चीज़ें largely तो यही दो ही चीज़ें करनी है। अब कौन सा product मैं बना रहा हूँ, कौन सी services मैं offer कर रहा हूँ, जब तक मैं user को ध्यान में रख के नहीं। Empathize करने का मतलब क्या है कि आपको समझना पड़ेगा कि आपके यूज़र की रिक्वायरमेंट है क्या, एक्चुअल में उसको क्या चाहिए। और जब आप एम्पथाइज कर पाओगे, जब एम्पथाइज करने का मतलब है यू नीड टू पिक, यू नीड टू अंडरस्टैंड द पेन पॉइंट, व्हाई द यूजर विल पे यू, क्या पेन आप उसका रिजॉल्व कर रहे हो। अगर आप उसका पेन रिजॉल्व करोगे तो डेफिनेटली लोग हंसते हंसते पे करते हैं। अगर आप पेन रिजॉल्व नहीं करोगे, एक बार ठगा सकते हो, एक बार आप बहुत सारे प्रोडक्ट आप देखना, एक बार हम गलती से खरीदते हैं दोबारा वापस नहीं जाते उस प्रोडक्ट पे। क्यों? क्योंकि हमारी जो गलतफहमी है वो दूर हो जाती है, हमें लगता है कि दिखता तो है कि यार ये शायद ये वाला पर्पस सॉल्व करेगा, वो करता ही नहीं है। और वो तब मिसमैच तब होता है व्हेन देयर इज नो एम्पथी। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एम्पथी, प्लीज व्हाइल यू आर डेवलपिंग एनी प्रोडक्ट, एनी सर्विस, एनी बिजनेस, एम्पथाइज विद योर यूजर्स, नॉट कस्टमर्स। व्हाई आई एम सेइंग यूजर्स, डिफरेंस है ना, कस्टमर और यूजर में फर्क है। इफ आई एम क्रिएटिंग, इफ आई एम डेवलपिंग सम यू नो प्रोडक्ट विच इज मेंट फॉर किड्स, छोटे बच्चों के लिए है, इन दैट केस यूजर इज किड, बायर इज पेरेंट्स। तो मुझे किसका प्रोस्पेक्टिव ध्यान में रखना है? प्राइमरीली किड्स का, कि भाई अल्टीमेटली जब वो यूज करेगा तो उसको पेरेंट्स भी देखते कि नहीं हमारा बच्चा जो इस चीज को इंजॉय कर रहा है, देन दे विल बाय अगेन। वंस यू हैव एम्पथाइज, देन कम्स डिफाइन। डिफाइन से मतलब क्या है यहां पे? आप यहां पे डिफाइन का मतलब है आपको जो पूरा जो पेन आपने फील किया है ना उसका, उसको खुद को क्लैरिटी लानी पड़ेगी। आपको एक एक चीज, एक एक कंपोनेंट, एक एक एलिमेंट उसका डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जब आप समझोगे उसको, डिफाइनिंग हियर मींस अंडरस्टैंडिंग नाउ कि व्हाई इट इज हैपनिंग, ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्यों का जवाब जब हम ढूंढते हैं। जब मैंने कहा था, इफ यू रिमेंबर वी हैव डन दैट फाइव वाई एक्सपीरियंस यू नो एक्टिविटी, क्यों
क्यों, ये क्यों, ये क्यों, वो जो क्यों वाली बात है, दैट इज अबाउट गेटिंग क्लैरिटी, डिफाइनिंग कि ये अगर प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्यों है, ये प्रॉब्लम अभी तक किसी और ने क्यों सॉल्व नहीं की, अभी जो प्रोडक्ट है वो जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, और अभी भी क्या आपका यूजर, आपकी मार्केट क्या सेटिस्फाइड है? अगर सेटिस्फाइड है, क्या मुझे फिर भी उस बिजनेस में घुसना चाहिए? डिफाइनिंग हियर मीन्स वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल परस्पेक्टिव. एम्पथाइज करना इज वेरी गुड, बट एम्पथाइजिंग, सी हमारा मतलब यहां पे किसी भी प्रॉब्लम के लिए खाली एम्पथाइज करना नहीं है. वी आर नॉट हेयर टू एम्पथाइज ओनली. हमें एम्पथाइज करने के बाद, सिंस वी आर इन एंटरप्रेन्योरशिप क्लास, वी आर थिंकिंग अबाउट डेवलपिंग अ सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम. सो दैट मीन्स मेयर एम्पथाइजिंग इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम. आप अपने को समझ, क्योंकि वी आर हेयर टू क्रिएट, और क्रिएट करने के लिए डिफाइन करना, समझना और समझाना दोनों चीजें जरूरी है. क्या बना रहा हूं, ये जो प्रॉब्लम है इसके लिए मैं क्या बनाऊं, मुझे खुद को क्लैरिटी होना, और उसको मैं क्या बनाऊं, मैं क्या क्या चीजें होंगी, वो सारी चीजें मुझे यहां पे क्लियर होनी चाहिए थी. यहां पे मुझे बेसिकली डिफाइन की जब मैं बात कर रहा हूं, आई मस्ट हैव क्लैरिटी अबाउट द प्रॉब्लम और द पेन ऑफ द यूजर. अगर मुझे यूजर की पेन की क्लैरिटी है, तब मेरा सॉल्यूशन जो इफेक्टिव है. टेकिंग बैक टू द एग्जांपल ऑफ टैक्सी एग्रीगेटर अगेन, ओला एंड उबर, दीज पीपल दे हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, दे हैव एम्पथाइज विद द यूजर्स. जब उन्होंने एम्पथाइज किया तो क्या एम्पथाइज किया, उन्होंने पेन एम्पथाइज किया. उन्होंने देखा कि यार वाकई यूजर को ना दिक्कत होती है, रात को एयरपोर्ट जाना है, तो या तो फिर पहले दिन आप टैक्सी वाले से बात कर रहे हो, ऑटो वाले से बात करके रख रहे हो, सुबह उसको जगाना भी है, उसको आना है नहीं आना, बहुत सारे इश्यूज है ना. अगर मेरे घर से 500 मीटर 1 किलोमीटर दूर जो है वो टैक्सी स्टैंड है, आई नीड टू वॉक टू दैट स्पेस, एंड स्टिल इन द मॉर्निंग आई डोंट नो वेदर देर विल बी टैक्सी अवेलेबल और नॉट, एंड इफ देर इज टैक्सी अवेलेबल, कीपिंग द सिनेरियो इन माइंड, दे मे चार्ज मी अनड्यू अननेसेसरी मोर देन डबल. बोलेंगे नहीं आपकी, देखो मेरी 5 बजे की अगर फ्लाइट है और मैं 2 बजे अगर टैक्सी ढूंढ रहा हूँ, 1 घंटा मुझे ट्रेवल में भी लगना है, मेरे पास अभी प्रेशर क्या है, नहीं तो मेरी 10,000 की टिकट जो है वेस्ट हो जाएगी. भैया तू 10,000 की टिकट बचाने के लिए जहाँ पे मेरे 300 रुपये लगने हैं वो कह रहा 700 रुपये लूंगा, एंड आई एम रेडी टू पे फॉर दैट. दिस इज द पेन, मुझे बार्गेनिंग करनी है, ये पेन है. टैक्सी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये पेन है. और मिलने के बाद भी जिस इंडिविजुअल के साथ मैं जा रहा हूँ उसके साथ जाना सेफ है या नहीं है, ये सारे क्या है, ये पेन है. और ये सारे पेन जो है वो एम्पथी, जब हम बात करते हैं उस एम्पथी में हम क्या करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि एक टैक्सी यूजर कौन कौन सी परेशानियां झेल रहा है, और उन सारी परेशानियों को समझ के डिफाइन करके उसके लिए उन्होंने एक सॉल्यूशन बनाया. क्यों है, क्लैरिटी अबाउट कि ये अगर मैं, ये बंदा अगर इस प्रॉब्लम से सफर कर रहा है उसके क्या रीजंस हैं. तो उस रीजंस में उनको पता चला कि हमारे यहाँ पे जो भी टैक्सी है, जो भी है, वो कैसा है, एक तरह से देखा जाए तो वो नेक्सस काइंड ऑफ है, अननेसेसरी चार्ज करते थे वो. उन्होंने देखा कि इसको कैसे विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी दे केम विद न्यू थिंग, राइट. सो सेकेंड इज डिफाइनिंग. डिफाइनिंग हेयर मीन्स यू हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम. नाउ थर्ड इज आइडिएट. अब उस प्रॉब्लम के अराउंड आप बिजनेस कैसे बना सकते हो, हाउ यू कैन डेवलप दैट बिजनेस. अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव तो पैसा कमाना है, और पैसा तब बनेगा जब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनेगा और सॉल्यूशन के अराउंड बिजनेस बनेगा, मींस उस सॉल्यूशन के लिए लोग पे भी करेंगे. तो अब बारी आती है वो आइडिएट करने की कि इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन बनाया जाए, क्या क्या चीजें इसमें होनी चाहिए, क्या हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल गेन दैट ओला उबर, उन्होंने जब ये देखा हो कि ये सारी परेशानियां हैं, ये सारी चीजें हैं, यार इसमें क्या कर सकते हैं, अपन क्या कर सकते हैं. इस रूम की अगर मैं बात करूं, अभी हमने बात की, इस हॉल में उन्होंने देखा कि यार ये अगर फ्लैट होता ये हॉल, तो उन्होंने परेशानी देखी कि यार पीछे वाले को दिखाई नहीं देता है, ये पीछे वाले को सुनाई नहीं देता है, पीछे वाले को स्क्रीन नहीं होती, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है. स्क्रीन ऊपर कर दो तब भी सामने वाले को दिक्कत है, उसकी गर्दन ऐसी हो जाएगी. तो दे केम विद दिस आइडिया कि इसको ना ऐसे करते हैं. चीज़ें जब आप अंडरस्टैंड करते हो तब आप उसके अराउंड चीजें बनाना शुरू करते हो. तो आइडिएट इज अनदर स्टेप वेयर यू ट्राई टू डेवलप और क्रिएट दैट बिजनेस जिसकी हम बात करते हैं. दिस इज द स्टेज डिजाइनर जनरेट मल्टीपल आइडियाज. देर इज एन एम्फेसिस ऑन
quantity and diversity of idea, techniques like brainstorming, mind mapping, scamper are often used to encourage creative thinking. Ideate के time पे हम क्या करते हैं, कुछ कुछ नया, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात याद आ गई आप लोगों को, जिसमें हमने कहा कि एक अगर प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, लिस्ट बनाओ क्विकली। इफ आई आस्क यू कौन कौन सी क्वालिटी या जिसको हम कहेंगे फीचर्स हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के, याद है किसी को? सॉरी, यस, जो आ गया लिख दो। टाइम कंस्ट्रेंट होता है, टाइम कंस्ट्रेंट क्यों होता है, ताकि जो फर्स्ट में दिमाग में आया उसको लिखो। अगर मैं आपको बोलूंगा ना कि मुझे ना आज शाम तक आप 50 सॉल्यूशन बताओ इस प्रॉब्लम के, आप आराम से सोचोगे, फिर आपके जो दिमाग में आ रहा ना उसमें आप फिर लॉजिक भी लगाओगे, रीजनिंग भी लगाओगे, हो सकता है थोड़े से मेरे जैसे आलसी हो जाए तो बोलेंगे कि यार शाम तक की बात है ना, तो शाम मतलब 5 बजे के बाद, तो 4 बजे के बाद बैठते हैं। टाइम कंस्ट्रेंट रैपिड फायर वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, रैपिड फायर में ये होता है कि जो आपके दिमाग में पहली जो चीज़ आती है वो बोलनी है, उससे क्या होता है अनयूजुअल आइडियाज आने लगते हैं। तो ये सारी टेक्निक जो है ना आइडिएट के टाइम पे हम यूज़ करते हैं। आपको क्या लगता है ये जो ओला उबर का जो सॉल्यूशन है, ये जो इनका ऐप आया है, क्या इनको पहली ही बार में एक बार में दिमाग में आ गया होगा कि हम ऐप बनाते हैं ये फीचर होंगे और सारी चीज़ें दैट सेट हो जाएंगी? ऐसा नहीं हुआ होगा। दे मे केम विद यू नो मल्टीपल काइंड ऑफ थिंग्स इन देयर माइंड, उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आई होंगी, उसमें से जब हम बात करेंगे आगे फिजिबिलिटी की, उसकी मैं बात करूंगा, उसमें से फिल्टर आउट करते हुए वो इस सॉल्यूशन पे पहुंचा। और आपने एक चीज़ ये देखी होगी, ओला उबर का ऐप जो 16-17 में आया था और आज जो ऐप चल रहा, जो फैसिलिटीज़ आज चल रही है, उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कंटिन्यूसली इम्प्रूव किया है उन्होंने, और वो इम्प्रूव कैसे किया, विद द यूज़र्स एक्सपीरियंसेस, फीडबैक जिसकी हम बात करते हैं। सो अगला जो स्टेप आता है, वंस यू हैव आइडिएटेड, आइडिया आपने जनरेट कर दिया, उसके बाद एक अगला जो स्टेप आता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रोटोटाइप। इफ आई आस्क यू प्रोटोटाइप होता क्या है, क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी प्रोटोटाइप की? ऑपरेशनल है, कोर फंक्शन करता है, कोर फंक्शन डिसाइडेड है, लेकिन अभी हमने क्या किया उसको फुल्ली फिनिश्ड वर्जन जो अभी मार्केट में नहीं है, या समटाइम्स इन केस ऑफ सर्विसेज इवन आपने ना उसका डिजाइन भी बना रखा है ना, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रोटोटाइप। आपने पूरा अगर आपने उसका मान लीजिए कि भाई पेज वर पेज जो आपने बनाया कि मेरा इंटरफेस ये होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐप की बात कर रहा हूँ, आपने सारी बैक एंड कोडिंग तो कोई और करेगा ना, आप थोड़ी करोगे अगर आप अगर टेक के आदमी नहीं हो, तो उस केस में आप क्या करते हैं, आप सारी चीज़ें उसको डिफाइन कर देते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, और फिर आप डेवलपर को बोलते हो मेरे लिए ये सारी चीज़ें बना दो, फिर वो कहता है कि ये सारी चीज़ें बन गई, बस इनको कंपाइल करके रन करने की देरी है। प्रोटोटाइपिंग की जब हम बात करते हैं, आइडियाज आर टर्न इनटू टेंजिबल रिप्रेजेंटेशन, कि एक आइडिया होता है उसको जब आप एक बॉडी देते हो, काइंड ऑफ उसको एक स्ट्रक्चर देते हो। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, इन 2019 आई विजिटेड NSUIT, इनका इंक्यूबेशन सेंटर है, आई विजिटेड देयर एंड देयर आई मेट अ टीम, जो इंजीनियर्स हैं दे वर वर्किंग ऑन अ मशीन, ऑटोमेटेड मशीन। आप जो लोग खेती समझते हैं वो लोग उनको मैं एग्जांपल समझ भी आएगा, गन्ने की खेती, गन्ने का जो प्लांटेशन होती है उसको ना, उसके जो गांठ होती है ना जो गन्ने में, उसमें से ही उसका सीड निकलता है, जो अगला प्लांट निकलता है उससे, और जो फार्मर्स क्या करते हैं वो मैनुअली उसको चॉप करते हैं और उसको उसके बाद वो करते हैं, एंड इट्स अ वेरी टीडियस काइंड ऑफ जॉब, राइट? एक बंदे को बैठना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ये करना, उसमें भी फिर सही कटेगा नहीं कटेगा, कई बातें हैं और एक्सीडेंट के चांसेस भी हैं। सो दीज यंग इंजीनियर्स दे केम विद अ सॉल्यूशन। मैंने वहां पे पहली बार प्रोटोटाइप देखा था, फ्रेंकली एक किसी फंक्शनल उसका, तो मैंने वहां पे देखा कि उन्होंने ना पूरा वो सेंसर बेस्ड कैमरे के साथ एक सिस्टम बनाया है, जिसमें गन्ना जब उस कैमरे की रेंज से जाता है वो सेंसर से आता है, और यहाँ से एक ऐसा चॉपर टाइप ऑफ थिंग, यू नो, एक बहुत शार्प बहुत जोर की आवाज़ के साथ वो छूटता है तड़ाक करके और उसको काट के साइड कर देता है। अभी उनका प्रोटोटाइप था वो, उसमें सिंपली क्या चीज़ लगाई थी उन्होंने, कैमरा लगाया था, चॉपर लगाया है, और जो मशीन है जो मतलब जो उसको बटन को छोड़ता है और उससे वो चॉप करता है, वो वाला सिस्टम लगाया था। दैट वॉज द, उन्होंने ये कहा कि वी हैव टेकन दिस डिवाइस, दिस मशीन टू द यूजर्स, वहाँ पे जाके हमने उनको दिया, जो फार्मर्स हैं उन्होंने यूज़ किया एंड दे आर लाइकिंग इट, कि हाँ इससे हमारा ना टाइम बच जाएगा, उसमें उनको कुछ नहीं करना, यहाँ से खाली गन्ना डालना है और वो गन्ना अपने आप जो मशीन क्या करेगी, सेंसर की मदद से उस गांठ को, वो जो नॉड है उसको
ऑब्जर्व करेगी, उसको समझेगी और उसके हिसाब से वो अपना कट करते जाएगी। तो ये क्या करेगा, उनका टाइम एनर्जी और सारी चीज़ों को सेव करेगा। सो ये होता है प्रोटोटाइप। कोर फंक्शन कर रहा है, कोर फंक्शन हो रहा है, लेकिन अभी जो है वो फिनिश्ड रिफाइंड वर्जन नहीं है उसका। ऐसे ही अगर आप देखेंगे कितनी ही सारी चीज़ें हैं, जब हम भी तो बनाते हैं ना कई बार बहुत सारी चीज़ें हम भी बनाते हैं, हमारा भी एक रफ ड्राफ्ट बनता है, फिर फेयर होता है, फिर फेयर होता है। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू डिजाइनिंग और समथिंग, प्रोटोटाइप इज समथिंग विच इज टेंजिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर आइडिया। अभी तक जो आपने इनिशियली प्रॉब्लम आपने एम्पथाइज करी, एम्पथाइज करने का मतलब क्या है, आपने किसी की प्रॉब्लम को समझा, आपने किसी की प्रॉब्लम को फील किया और आपको लगा कि अपने को ये सॉल्यूशन डेवलप करना है। उसके बाद आपने क्या किया, सेकंड स्टेज थे, उस प्रॉब्लम को डिफाइन किया, अंडरस्टैंड किया कि रीजंस क्या हैं, और अगर ये रीजंस हैं इसकी वजह से, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द रीजंस, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डिफाइन द प्रॉब्लम, क्यों जरूरी है। डॉक्टर के पास जाते हैं ना हम लोग, डॉक्टर हमारे से दसों तरह के सवाल पूछता है, खाना क्या खाया था, कल बाहर खाया था या क्या था, है ना, सो दैट ही विल अंडरस्टैंड द एक्चुअल कॉज, कि वो प्रॉब्लम है, वो जो सिम्टम्स हैं वो किस वजह से हैं। जब वो कॉज को जानेगा फिर ट्रीटमेंट किसका होता है, कॉजेज का ट्रीटमेंट होता है, कि फूड पॉइजनिंग है तो उसके हिसाब से ट्रीट करेगा, अगर सर्दी की वजह से किसी और वजह से तो कोई और, सारी चीज़ों का अलग अलग है। तो इसलिए वो डिटेल्ड हिस्ट्री, डिफाइनिंग मीन्स नोइंग द प्रॉब्लम इन हैंड प्रॉपरली थरली। जब आप उसको हर एंगल से हर तरफ से समझोगे तब आप उसके लिए एक अच्छा सॉल्यूशन डेवलप कर पाओगे। एंड देन आइडिएट, एज आई सेड, प्रोटोटाइपिंग, दीज प्रोटोटाइप्स कैन बी स्केच, फिजिकल मॉडल्स, वायरफ्रेम्स, इवन रोल प्लेइंग सिनेरियोस। प्रोटोटाइपिंग अलाउ डिजाइनर टू विजुअलाइज देयर एंड टेस्ट देयर आइडिया क्विकली एंड इनएक्सपेंसिवली। दो तीन चीजें इसने बोली इस पूरी इसमें। एक, कई बार मुझे भी ये मिसकंसेप्शन था, मुझे भी लगता था कि प्रोटोटाइप का मतलब है कि फिजिकल आपने एक मॉडल बनाया है, लेकिन प्रोटोटाइप के लिए जरूरी नहीं है कि आपने मॉडल बनाया है कि नहीं बनाया। इवन इफ यू आर, वट एवर यू हैव डिसाइडेड, दैट इज जस्ट अ, एज ही सेड, स्केच है। अगर आपने कोई प्रोडक्ट बना रहे उसका आपने एक ड्रॉ किया है, स्केच बनाया है, वो भी प्रोटोटाइप है। दैट विल हेल्प द मेकर, जो अल्टीमेटली इसको डिजाइन करने वाला, बनाने वाला, उसको हेल्प करेगा कि इस तरह की कोई चीज बनने वाली है। बेसिकली प्रोटोटाइपिंग क्या है, आपने जो चीज सोची है, आपने जो सॉल्यूशन सोचा है, उसका विजुअल प्रेजेंटेशन है, कि जो अभी तक आपके दिमाग में जो चीज थी, अब वो चीज दिमाग से निकल के आपके पेपर पे, आपके टेबल पे, या आपके वर्कशॉप में जो है वो लग चुकी है। प्रोटोटाइपिंग वो है। प्रोटोटाइपिंग अलाउ डिजाइनर टू विजुअलाइज टेस्ट देयर आइडियाज। प्रोटोटाइपिंग में, एज आई सेड, कि उन बच्चों ने क्या किया था, उन यंग इंजीनियर्स ने क्या किया था, वो जो मॉडल उन्होंने जो शुगर केन के सीड को चॉप करने के लिए बनाया था, दे टुक दैट टू दी एक्चुअल यूजर्स। वहां पे जाके उन्होंने क्या किया, टेस्ट किया, और जो प्रॉब्लम्स उन्होंने फाइंड आउट की, उनको लगा कि अभी भी ना इसमें कुछ काम करने की जरूरत है, देन दे केम बैक विद द रियल टाइम फीडबैक, टेस्टिंग देयर आइडियाज क्विकली एंड इनएक्सपेंसिवली। क्योंकि जब आप प्रोटोटाइप स्टेज पे ही जब टेस्ट करते हो, तब तक आपकी उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा नहीं हुई होती है, अभी भी उसमें रिफाइन करने के, मॉडिफाई करने के पूरे चांसेस होते हैं। अगर मान लीजिए प्रोटोटाइपिंग नहीं हो और कोई भी चीज़ मैंने एम्पेथाइज किया, डिफाइन भी कर दिया, आइडिएट भी कर लिया, प्रोटोटाइप बनाया मैंने लेकिन उसको टेस्ट नहीं किया, मैं सिंपली आइडिएट करने के बाद मैंने चीज बना दी और उसको लेके मैं मार्केट में चला गया, हो सकता है कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो चल जाए, इफ आई एम लकी, हो सकता है कि मेरा प्रोडक्ट जो है बुरे हाल से पिट जाए। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पे इसने एक बहुत मजेदार बात बोली है, टेस्ट देयर आइडिया क्विकली एंड इनएक्सपेंसिवली। टेस्टिंग हियर मींस यू टेक योर प्रोडक्ट टू द एक्चुअल यूजर्स। जब आप प्रोटोटाइप बनाते हैं तो आपके प्रोडक्ट का जो फीडबैक है, आपके प्रोडक्ट का जो यूजर है उसका एक्सपीरियंस वो आपसे शेयर करता है। इफ यू हैव जेन्युइन फीडबैक ऑफ, आई से इवन इफ यू हैव 10 यूजर्स फीडबैक, दैट इज मोर वैल्यूएबल देन द 10,000
नॉन यूजर्स फीडबैक, क्योंकि यूजर जो करता है ना वो यूज करने के बाद जो उसको चीजें चाहिए, जो चीज उसको लगती है कि इसमें ये मिसिंग है, इसमें ये चीज होनी चाहिए, इसमें ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि वो यूज कर रहा है उसको। यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो ज्यादा वैल्यूएबल है। रैंडमली मैं अगर 10,000 लोगों से भी पूछूंगा ना तो हर किसी की अपनी एक इच्छा होगी, और वो कितना रेलेवेंट है नहीं है वो, दैट इज यू नो स्टिल अ क्वेश्चन। यहां पे आप क्या कर रहे हो कि 10 लोगों को 15 लोगों को आपने प्रोटोटाइप बना के प्रोडक्ट यूज करने को दिया है, दे आर यूजिंग योर प्रोडक्ट एंड इट इज वेरी क्लियरली डिफाइंड कि आपका प्रोडक्ट करेगा क्या और उन लोगों की जो प्रॉब्लम है क्या उसको सॉल्व करेगा या नहीं करेगा। इफ दैट सॉल्यूशन सॉल्व देयर प्रॉब्लम एंड दे कम टू यू एंड दे टेल कि सर दिस इज फैंटास्टिक, वी वर स्ट्रगलिंग एंड नाउ यू हैव प्रोवाइडेड समथिंग बेस्ट, दिस इज द टाइम, गो टू मार्केट। बेसिकली अगर हम देखा जाए तो प्रोटोटाइप में हम क्या करते हैं, वी डोंट वेट टू यू नो फाइनलाइज आवर प्रोडक्ट, इवन द कोर प्रोडक्ट, कोर सर्विस, कोर फंक्शन इज देयर, वी गो विद द कोर फंक्शनिंग। ग्रेजुअली हम क्या करते हैं उसको एडवांस करते हैं। टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल, आप लोग तो खैर ज्यादा उस टाइम का आई डोंट नो आपने यूज किया है नहीं किया, किसी को याद है, किसी को ध्यान है जो इनिशियल जो वॉशिंग मशीन आई थी और आज जो एडवांस लेवल की वॉशिंग मशीन आती हैं, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को मैं क्या कह रहा हूँ। इनिशियली जो वॉशिंग मशीन आई थी उसमें कोर फंक्शनिंग थी, सिंपली क्या करता था वो कपड़े को घुमाता था, पानी आपको मैनुअली डालना है उसमें, मैं इनिशियल डेज की बात कर रहा हूँ, मैनुअली आप पानी डाल रहे हैं, फिर उसको आप ड्रेन कर रहे हो, फिर उसमें आप उसके बाद भी समझ रहे हो, तो फिर सुखाने वाला कंपार्टमेंट वाला शुरू में था ही नहीं, फिर बाद में चीज डेवलप हुई कि नहीं यार धोना तो एक चीज है, धोने के साथ साथ सुखाना भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, फिर आप उसको वहां से निकालोगे, फिर ड्रायर में डालोगे जो यहाँ पे स्पिन होता है, बेसिकली ड्रायर तो नहीं कहेंगे उसको, स्पिन कहते हैं, फिर उसमें स्पिन पे डालोगे, फिर वहां से निकालोगे, फिर मतलब दैट वॉज अ टीडियस काइंड ऑफ थिंग। आपको वो मैनुअली, आपकी एंगेजमेंट उस प्रोडक्ट में पूरी है, सिंपल सी एक चीज है, आप वहां पे साबुन नहीं लगा रहे, आप उसको जैसे जो ट्रेडिशनल हमारा मेथड था उसको नहीं कर रहे, मशीन में डाल दिया, लेकिन वो मशीन भी क्या है फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं है, तो वो प्रोटोटाइप था एक जमाने में। आज की जो एडवांस मशीन है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो आज की मशीन में क्या है, आपको सिंपली करना ही कुछ नहीं है, कपड़े उसमें डालो, टाइमर उसमें ऑटोमेटिकली वो देखता है, आज की डेट में टाइमर सेट करने की भी जरूरत नहीं है, कपड़ों का वेट और पानी का क्वांटम वो डिसाइड करके वो अपने आप ही आपको टाइम दे देता है, अलार्म दे देता है, सेम कैबिन में आपको जो वो क्या करके स्पिन करके सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ड्राई करके दे देता है ना, ड्राई भी करके दे देता है, तो सारी चीज़ें कर, वो क्या है एडवांसमेंट है। तो वो एडवांसमेंट वाली स्टेज में पहुंचने से पहले जो रियल यूजर हैं उन्होंने जो बेसिक प्रोडक्ट है उसको यूज किया और उसके अकॉर्डिंगली वो चीज़ें इवॉल्व होती गई। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, अगर आप लोगों ने मार्केटिंग में, मार्केटिंग पढ़ लिया ना आप लोगों ने, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आप लोगों ने पढ़ा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा होगा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में जो इंट्रोडक्टरी स्टेज होती है ना वो बेसिकली प्रोटोटाइप वाली है, जहां पे आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, और जो ग्रोथ स्टेज है वहां पे वो है टेस्टिंग और रिफाइनिंग योर प्रोडक्ट, जहां पे हम कहते हैं आयरन आउट योर डेफिशिएंसीज। कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट जब लेके आती है तो इंट्रोडक्शन स्टेज पे ही बहुत सारे वेरियंट्स के साथ नहीं आती है, वेरियंट्स कब आते हैं जब आपका प्रोडक्ट जो है वो मैच्योरिटी की तरफ, सॉरी ग्रोथ स्टेज पे होता है, इंट्रोडक्शन से जब आप ग्रोथ पे जाते हो अब आपको लगता है कि प्रोडक्ट मार्केट में एक्सेप्ट होने लगा है, फिर उसके डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएंट्स आएंगे, एडवांस मीडियम लोअर हर तरह के वेरिएंट्स उसके आते हैं, डिफरेंट कलर में, डिफरेंट शेप में, डिफरेंट डिजाइन में। सो ये एंटरप्रेन्योरशिप में भी यही चीजें हैं। प्रोटोटाइपिंग इज अ स्पेस वेयर यू जस्ट टेस्ट योर प्रोडक्ट कि इसकी कोर फंक्शनिंग जो हमने सोची है, वेदर दिस प्रोडक्ट इज डेवलपिंग व्हाट कस्टमर इज लुकिंग फॉर और नॉट, if it is doing that then you go ahead with the final product, otherwise what you do, ye jo testing wali stage hai, prototypes are tested with the real user, feedback is gathered and the designs are refined based on their feedback, this iterative process continues until a viable and user friendly solution is developed. Iteration is the another principle, design thinking ka iteration ek alag प्रिंसिपल है, बनाओ टेस्ट करो दोबारा, ये जो इसको अगर आप देखोगे तो ये ना कि ये क्या है, एक साइकिल है, टेस्टिंग के बाद भी व्हाट इज द फीडबैक ऑफ द यूजर, व्हाट इज देयर ऑब्जर्वेशन,
उनका क्या मानना है, वेदर दे आर लाइकिंग इट और नॉट लाइकिंग. इफ दे आर लाइकिंग स्टिल देर इज स्कोप, शुड बी डेवलप फर्दर. या इफ दे आर नॉट लाइकिंग इट, वेयर वी आर लैकिंग, वी नीड टू सी दैट. सो इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इटरेशन जिसको हम कहते हैं. मैं एक प्रोडक्ट बना के लेके आया, आपके पास आया, आपने उसको यूज किया, आपने कहा कि नहीं सर इसमें ना अभी ये दिक्कत है, आई एम गोइंग बैक अगेन, एम्पथाइजिंग, डिफाइनिंग, देन आइडिएटिंग, डेवलपिंग प्रोटोटाइप के साथ, देन अगेन आई एम कमिंग बैक टू यू. आप कह रहे हैं कि नहीं अभी ये सुधार है, ये सुधार है. सो बेसिकली इट इज अ इटरेटिव इन नेचर. तो डिजाइन थिंकिंग की जब हम बात करते हैं तो ये 5 कॉम्पोनेंट्स हैं. क्लियर है सब? दीज आर द की प्रिंसिपल्स. बताओ यार, अगली स्लाइड पे जाने से इसको मतलब प्रॉब्लम है. पिछली स्लाइड आ रही है. चलिए कोई नहीं, मैं आपको की प्रिंसिपल्स बता रहा हूं. डिजाइन थिंकिंग के की प्रिंसिपल्स क्या हैं? पहला प्रिंसिपल है क्या? ह्यूमन सेंट्रिक. ये जो अप्रोच है ये कैसी है? ह्यूमन सेंट्रिक है. ह्यूमन सेंट्रिक, बाय सेइंग ह्यूमन सेंट्रिक मींस यूजर जो है वो इसके सेंटर में होता है. यूजर के अराउंड सारी डेवलपमेंट है. सो इट्स अ ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच, फोकसिंग ऑन द नीड एंड एक्सपीरियंस ऑफ द यूजर. यूजर की जरूरत क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसके अराउंड ये पूरी चीज डेवलप होती है. सेकेंड इज इटरेटिव. इटरेटिव मीन्स जो यूजर का एक्सपीरियंस है, वो जो प्रॉब्लम बता रहा है, आप वापस उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगते हो, वापस उस प्रॉब्लम को आप ठीक करने में लगते हो. अदर इटरेटिव, इटरेटिव इन नेचर, इटरेट इटरेट इटरेट, वापस वापस वापस, है ना, इटरेशन. इटरेटिव इन नेचर, द प्रोसेस ऑफन साइकल्स अलाउ फॉर द कंटिन्यूस रिफाइनमेंट एंड इंप्रूवमेंट ऑफ आइडिया एंड प्रोटोटाइप्स. अगला जो प्रिंसिपल है इट इज कोलोबरेटिव. कोलोबरेटिव डिजाइन थिंकिंग ऑफर्ड इन्वॉल्व्स मल्टीपल मल्टीडिसिप्लिनरी टीम्स वर्किंग टुगेदर टू लिवरेज डाइवर्स परस्पेक्टिव एंड एक्सपर्टीज. बेसिकली अगर देखा जाए तो यहां पे जो मैं, व्हाई इट इज यू नो कोलेटरी कोलोबरेटिव होना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो चीज मैं फील कर रहा हूं, मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरा प्रस्पेक्टिव, जब मैं किसी दूसरा मीन्स एक्सपर्ट फ्रॉम द डोमेन उसके साथ बात करूंगा तो मुझे चीजें दूसरे एंगल से भी दिखनी शुरू होगी. यहां पे अगर ऐसे करके बड़ा सा 6 लिखा होगा ना, तो मैं यहां से देखूंगा तो मुझे क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, और आपको क्या दिख रहा है, वो 9 दिख रहा है. सो एवरी डिफरेंट पर्सन हैज अ डिफरेंट प्रस्पेक्टिव. सो व्हाइल यू हैव डेवलप्ड समथिंग यू नीड टू डिस्कस विद द रेलेवेंट पीपल. When you discuss this idea with the relevant people, you may get, collaboration का यही एक advantage है. Why people, suggest कि आपको ना collaboration में काम करना चाहिए. Team के जब बात करते हैं, team में काम करने का यही एक चीज होती है कि आपको एक दूसरा perspective भी समझने को मिलता है. तो it is collaborative in nature. It emphasizes on working with the people from the different domains to leverage diverse perspective and expertise. Design thinking is widely used in the field such as product designing, software development, service designing. To be very specific, social entrepreneurship की जब हम बात करते हैं, social जो भी जितने भी solutions हैं, उन solutions के लिए design thinking is the best practice to follow. अगर आप किसी social issue को solve करने की बात कर रहे हैं, if you are developing a business around a social problem, social issue, you need to have this design thinking approach. Why? ये आपसे मुझे जानना है. जी आपको लाना का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप फूड के अंदर आप लोगों ने
Okay. अभी उसको हम इस एंड तक ले आए कि रिसेंटली आई वॉट रिक्रूटेड फॉर कंपनी जस्ट फॉर द मार्केटिंग पर्पज ऑफ देयर न्यूली लॉन्च बाइक विच इज इन अ प्रीमियम सेगमेंट. सो व्हाट माय वर्क वाज टू इनिशिएट फ्यू कस्टमर्स एंड गिव देम द बेस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस. सो गिविंग दिस यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो बाकी के लोग सोसाइटी में लेफ्ट आउट हो गए उनके साथ इशू. सो हाउ कैन आई मेक देम माय से कस्टमर और समथिंग. सो आई नीड टू एम्फसाइज तो भी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे हमारे यहाँ पे 2027 में आने वाली है. सो दे आर कॉलिंग इट मास मोबिलिटी एज अ सर्विस. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि कोई विलेज के अंदर एक स्कूल का सेटअप करते हैं आपकी और मेरी प्राइवेट टीम. तो कहते हैं कि हम स्कूल एजुकेशन देंगे हम लेके चलते हैं 15 साल. 15 साल में गाँव के स्कूल से जो बच्चे एजुकेट होगा उसको मार्केट में शहर में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है जिससे रेपुटेशन अवेलेबल हो. सर्विस नहीं प्रोडक्ट की सर्विस देंगे बट एज अ डायरेक्ट सर्विस. ऐसी सर्विस जो हमारे प्रोडक्ट से हम दिलवा सकें और उससे पैसे का वो अर्न कर सकें उसके पेरेंट्स भी स्कूल की फीस पे करें प्रोडक्ट भी डेवलप हो. तो इन शॉर्ट अगर मैं आपकी बात को ये करूँ कि तो बेसिकली एम्पथाइज प्रॉपर होता नहीं है. मतलब सी एक मिनट ये ना हम दोनों का मोनो टाइप हो जाएगा. हम दोनों आपस में पर्सनल डायलॉग हो गया. इतने सारे लोग और भी आप लोग भी इन्वॉल्व हो जाइए. इनका प्रोस्पेक्टिव बिल्कुल सही कह रहे हैं ये. उसका रीज़न क्या है आपको क्या लगता है क्या रीज़न है? राइट नथिंग इज देयर. वो मटेरियल की एक्विजिशन ही नहीं है एंड के साथ इशू है. और इन सारी चीजों को अगर हम देखें ना अगर हम लोग यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स हैं ना तो ये बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी है. देखा जाए तो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी. इफ वी आर इंपोर्टिंग एवरी पार्ट फ्रॉम दी अब्रॉड फॉर से चाइना से हम मैक्सिमम चीजें लेके आ रहे हो सकता है हम में से बहुत सारे लोग इस चीज को सोचे कि यार वाई क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो है. अगर करने वाला देखो सीधी सी बात है इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट कि यार क्यों नहीं हो रही है. बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअल में इसमें जंप कर रहे हैं और दे आर रिकॉग्नाइजिंग कि यार ये अपॉर्चुनिटी है. तो ये में वो बच्चा कैपेबल हुआ कि बैंकिंग लीज
buy, yes, right. At this point, we are not getting those products. Quality product हमारे यहाँ से तो जांच हुआ। देखो इसकी कहानी फिर वही बात है ना, ये अगर हम डिस्कस करने जाएंगे तो इट्स एंडलेस टॉपिक, राइट। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इतना अपने को समझने, मैं तो बड़ा पॉजिटिव और क्या कहूँगा, रोजी पिक्चर दिखाने की कोशिश करूंगा। जितना बड़ा हमारा पॉपुलेशन है, जितनी डाइवर्सिटी हमारे देश में है ना, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। इंस्टेड ऑफ जस्ट कंप्लेनिंग, वी शुड जंप इनटू, वी शुड ट्राई, एंड इट्स अ वेरी वीक मार्केट। बाहर वाला आके इतना कुछ करके जा रहा है, हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? अपने को करना चाहिए, लेकिन कहानी वही है। देर आर वेरी हैंडफुल ऑफ पीपल दोज आर थिंकिंग ऑन द सेम लाइन, जिनको लगता है कि यार ये अपॉर्चुनिटी, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। अदरवाइज ना, ये मेले वाली कहानी है। इफ आई आस्क ऑनेस्टली, अगर मैं आपको यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जो पूछ रहा हूँ उनसे, हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट कि यू वांट टू डू समथिंग एट योर ओन, कुछ खुद को आपको लगता है कि मुझे अपना कुछ करना है? रेज योर हैंड दोज हु आर हेयर। एटलीस्ट 10 पीपल आर हेयर। आधा लोगों ने ये सवाल भी नहीं सुना मैंने पूछा क्या। समझना और करना तो बात की बात है। सो दिस इज द पर्सपेक्टिव, राइट। एक काम करते हैं, ये जब तक चलता है तब तक एक काम करते हैं हम लोग। मैंने आपको डिजाइन थिंकिंग के 5 कंपोनेंट बताए, आपको सिंपली करना क्या है, यू कैन डू दिस इन अ टीम। जब तक हमारा ये सिस्टम चलता है हम आगे बढ़ते हैं। आपको क्या करना है, टेक एनी प्रोडक्ट या कोई सी भी ऐसी चीज, ऐसी डेवलपमेंट आप अपने आसपास के कोई भी देख सकते हैं, एंड यू जस्ट ट्राई टू फिगर आउट कि यार इसमें ये डिजाइन थिंकिंग वाला एलिमेंट कितना अप्लाई हुआ है। जब तक हमारा सेटअप लगता नहीं है, क्विकली आई वॉन्ट एवरी वन टू डू दिस। वन रो मीन्स वन ग्रुप, यू 4 आर वन ग्रुप, ओके। सो ये एक ग्रुप है, कोई सा भी प्रोडक्ट लो, कोई सा भी ABC, कोई भी प्रोडक्ट जो आपको लगता है, एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइन थिंकिंग इज अप्लाइड इन दैट। या अगर आपको लगता है कि अगर आप इतना सोच सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम देख लो अपने आसपास, हॉस्पिटल की, ट्रांसपोर्टेशन की, एनी प्रॉब्लम, उसके अराउंड आप सोचो कि भाई डिजाइन थिंकिंग कैसे अप्लाई हो सकती है। वो अटेंडेंस किसके पास है? हु इज होल्डिंग द अटेंडेंस? सबकी हो गई अटेंडेंस? चलिए फटाफट कीजिए, सोचो कौन सा प्रोडक्ट लिया। सोचा भी नहीं अभी, आराम से रिलैक्स होकर बैठे, सोचो ना यार क्या है। समझ आया डिजाइन थिंकिंग होता क्या है? चलो कोई एक प्रोडक्ट पकड़ो, करो आप लोग भी। मैं आप दोनों के पास तो आ गया, मैं अब यहीं बैठूंगा, यहीं से अगली क्लास यहीं से चलेगी। अब क्या क्या पढ़ा हमने बताओ, हैं? टॉपिक क्या था आज का? भाई AC की हवा भी नहीं है तो पंखा है, क्या कर रहे हो? क्या टॉपिक पढ़ा हमने? व्हीलचेयर वाला था। भाई मेरी बात सुनो, मैं टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, मैं आप लोगों को इतना जज कर रहा हूँ, लेकिन इतना ज़रूर बता रहा हूँ, आए हैं ना तो दो चीज़ें सुन लोगे तो काम आएगा। हवाई खानी है तो कहीं भी खाई जा सकती है, यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता अटेंडेंस भी ऐसा कंपल्शन जैसा कुछ है, ठीक है? बुरा लगता है, आप लोग यहाँ बैठे हैं, मैं वहाँ से इतना ज़ोर ज़ोर से चीख रहा हूँ और आप लोगों ने सुना भी नहीं मैं टॉपिक कौन सा पढ़ाया, वेरी स्ट्रेंज। स्कैम पर तो ये बेटा मैं कह रहा हूँ पिछली बार की बात है ना, वो तो आई एम डिसअपॉइंटेड। मैं एक बात बताता हूँ आपको, मैं आता हूँ ना यहाँ पे, पूरा जोर लगा के मेहनत से इसलिए पढ़ाता हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पे आया हुआ हर कोई इससे बेनिफिट होगा। आप लोग जब सोच के ही ये बैठे हो कि मुझे सुनना ही नहीं है तो ये बुरा लगता है। मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, मुझे जो बुरा लगा मैं उतना बोलने का अधिकार तो है ना मेरे को। आप ये नहीं बता पा रहे हो कि हमने टॉपिक कौन सा पढ़ा आज। कौन सा टॉपिक पढ़ा भाई आज? डिज़ाइन थिंकिंग पढ़ा, सुन लो आज का टॉपिक क्या था? डिज़ाइन थिंकिंग था। कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हो? कोई प्रोडक्ट सोचा? फटाफट करो। कौन सा प्रोडक्ट आप लोगों ने कौन सा प्रोडक्ट लिया? पेन। कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हो आप? अरे इतना टाइम कौन लगाता है यार सोचने में। पेन तो इन्होंने ले लिया, कुछ और ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी।
ठीक है चल जाएगा, नहीं नहीं चलेगा रहने दो छोड़ो। चलिए सोचिए फटाफट, ओके ये मैंने जो काम आपको दिया यू कैन टेक इट एज अ होमवर्क ऑल्सो, यू कैन थिंक ऑन एट योर ओन, जस्ट मूविंग अहेड। हाँ जी सॉरी एयरटेल का एक बात बताऊं मैं आपको, डिजाइन थिंकिंग अगर हम देखेंगे ना, यूजर को ध्यान में रख के कोई भी चीज हो रही है ना वहां पे डिजाइन थिंकिंग अप्लाई हो रही है। चलिए ठीक है, ये जो काम मैंने बोला इसको आप कर लेना यार, ये लाइट मेरे सीधे मुंह पे पड़ रही है, मुझे यहां बैठना पड़ेगा। मैं आगे आपको लेके चल रहा हूं, एक और चीज पे बात कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, यू वॉन्ट टू सिट, यू वॉन्ट टू लीव, वट वट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडिया एंड अपॉर्चुनिटी, क्या फर्क है आइडिया और अपॉर्चुनिटी में? आइडिया और अपॉर्चुनिटी में क्या फर्क है? आइडिया इज अ रैंडम थॉट, नाइस। अपॉर्चुनिटी इज व्हाट? सॉरी चांस, इनोवेटिव आइडिया, आइडिया जस्ट मेंटल कॉन्सेप्ट एंड अपॉर्चुनिटी इज आइडिया और अपॉर्चुनिटी में यही एक फर्क है, सारे आइडियाज अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकते हैं। सारे आइडियाज अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं हो सकते हैं? अपॉर्चुनिटी सिर्फ वही आइडिया होगा जिसको कन्वर्ट करना फिजिबल है हमारे लिए। टेक्नोलॉजी साथ देती है, सारा मार्केट साथ दे रहा है, सारा सिनेरियो, सारा एनवायरनमेंट अगर फेवरेबल है तो आइडिया क्या है? एक अपॉर्चुनिटी है। मैंने एक ऐसी चीज सोच ली जो हो ही नहीं सकता, आइडिया तो वो भी है, हो ही नहीं सकता मींस क्यों नहीं हो सकता? या तो टेक्नोलॉजी अभी उस चीज को सपोर्ट नहीं करती, या फिर मार्केट अभी उसको अडॉप्ट करने को तैयार नहीं है। तो अगर कोई भी ऐसी चीज जिसको मैं कन्वर्ट करके बिजनेस नहीं बना सकता हूं अभी, वो अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकता है। एक आइडिया अपॉर्चुनिटी तब होगा इफ आई एम एबल टू कन्वर्ट दैट इनटू अ बिजनेस, अगर मैं उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर पा रहा हूं तो वो क्या है? एक अपॉर्चुनिटी है। आइडिया तो हम बहुत मतलब पिछले लेक्चर से हम पढ़ते आ रहे हैं आइडिया क्या है। आइडिया क्या है? सिंपली एक थॉट है कि ये आया मुझे ये करना है, और उस थॉट को जब आप कन्वर्ट कर सकते हो, जब आप उसके अराउंड बिजनेस बना सकते हो, आप बनाना चाहते हो और सरकमस्टांसिस आपको ये करने के लिए फेवरेबल हैं, तब वो क्या एक अपॉर्चुनिटी है। द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया एंड अपॉर्चुनिटी आर रिलेटेड बट डिस्टिंक्ट इन द रियल्म ऑफ इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एन आइडिया इज द इनिशियल स्पार्क ऑफ क्रिएटिविटी, while the opportunity is well defined concept ready for execution. Recognizing the distinction between these two concepts is crucial. Why I am discussing this and why these slides are full of text, taki jin logon ke sath main share karu agar yahi se pad jayenge to yahan se bhi unka kaam ho jayega, theek hai. And secondly, ye topic important hai, pura jo idea generation wala pura topic jo hum pad rahe hai wo pura ka pura important hai. Idea opportunity mein aapko distinction karna aana chahiye, उसकी फिजिबिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं उस पर हम बात कर रहे हैं, उसको कैसे चेक करते हैं, उन चीजों पे आता हूं मैं। आइडिया नीड टू बी केयरफुली नर्चर्ड एंड इवैल्यूएटेड, आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटी अमंग देम। जितने भी देखो एक मेरी बात सुनिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम क्या करते हैं? ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम एक लिस्ट ऑफ आइडियाज डेवलप करते हैं कि क्या 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 चीजें हो सकती हैं, और उस लिस्ट में से अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, सारे आइडियाज को इवैल्यूएट करते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स कि ये चीज़ हो सकती है, ये पॉसिबल है, ले लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, फिजिबल है टेक्निकली, मार्केट इसको एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, सारे पैरामीटर के बेस पे जब हम करते हैं, उस लिस्ट ऑफ आइडिया में से एक जो अपने को लगता है कि बेस्ट है वो क्या हो जाएगा? फिर अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। सो वाइल वी आर डेवलपिंग दोज आइडियाज, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आर एंड इनोवेटर्स आर अडॉप्ट रिकॉग्नाइज वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द पूल ऑफ आइडियाज
allowing them to focus their, you know, their resources on most promising venture. क्योंकि अपने पास हर चीज़ की कमी है. कमी मतलब limitation. Natural resources, physical resources, financial resources, सारी चीज़ें limited है. Best possible use करके किस में से हम ज़्यादा benefit, profit किससे earn कर सकते हैं, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, promising एक idea हो जाएगा. तो उस list में से देखना है कि सिचुएशन के हिसाब से, सर्कमस्टांसिस के हिसाब से क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती हैं, उसके बेस पे सेग्रीगेट करते हुए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना, एक ऐसे कॉन्सेप्ट, एक ऐसे आइडिया को फाइनल करना जिस पे हम बिजनेस बना सकते हैं, उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी. एन अपॉर्चुनिटी इज अ फेवरेबल सेट ऑफ सर्कमस्टांसिस दैट क्रिएट अ चांस फॉर वायबल एंड डिजायरेबल आइडिया टू बी इम्प्लीमेंटेड सक्सेसफुली. इट इज अ स्पेसिफिक आइडिया दैट हैज been analyzed and redefined, taking into the account factors such as market demand, feasibility, profitability, and scalability. Opportunities are the ideas that have undergone a rigorous evaluation process and have potential to create value, whether in the form of product, service, business, or social impact initiative. Identifying an opportunity involves assessing ideas fit with the market, the organization capability, external environment, opportunities actionable, and have a clear path to develop and implement. ये जो पूरी की पूरी जो राम कहानी है, इसमें एक ही चीज़ ये बोली कि हर एक जो रैंडम थॉट आपके दिमाग में आता है वो बिजनेस नहीं होता है. उस पूरी लिस्ट में से ये जो पैरामीटर इसने बोले कि मार्केट कैसी है, रिसोर्सेज कितने हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी क्या कहती है, अगर ये सारे बॉक्सेस टिक होते हैं तब हम कहते हैं कि इस पे ना बिजनेस बन सकता है. और अगर इनमें से कोई भी एक, मान लो मेरे पास रिसोर्सेज भी सही हैं लेकिन डिमांड ही उस प्रोडक्ट की नहीं है, मुझे क्या वो बनाना चाहिए? मार्केट फिजिबिलिटी, तो अगला जो टॉपिक जिसकी हम बात करते हैं उसके हम फिजिबिलिटी एनालिसिस ही कहते हैं उसको. उस पर मैं बात करता हूं आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज मेथड. कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं? मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस, स्टडिंग द मार्केट ट्रेंड्स, कस्टमर बिहेवियर, कॉम्पिटिटर्स टू आइडेंटिफाई, यू नो, इस चीज़ को हम एनालाइज करते हैं कि अच्छा ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये मार्केट में डिमांड है, ये हमारे कॉम्पिटिटर है, ये इतने परसेंट मार्केट को कैटर कर रहे हैं, अभी भी इन्होंने कुछ सेगमेंट को छोड़ा हुआ है. और जब आपको एक सेगमेंट मिलता है कि जो अनटैप्ड है, अगर आपके रिसोर्सेज, आपकी कैपेबिलिटीज अलाउ करती है, तो आप उसमें एंटर हो सकते हो. मैं ये नहीं कहता हूँ कि जहाँ पे कॉम्पिटिशन है वहाँ पे एंटर नहीं होना है, वहाँ पे भी एंटर हो सकते हैं. द ओनली कंडीशन इज इफ यू हैव समथिंग यूनिक, समथिंग बेटर देन योर कॉम्पिटिटर. एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसी मार्केट आपको मिलेगी, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ पे सिर्फ आप ही शुरू करने वाले हैं, वो रेयर केसेस होने वाले हैं. कोविड का केस आया था जिसमें एकदम से ऐसा हुआ कि भाई पीपीटी किट पहले उतने ज़्यादा कोई डेवलप नहीं करता था, है ना, कि एकदम से अपॉर्चुनिटी आई और कुछ लोगों ने बिजनेस डाइवर्ट कर लिया उस पर बना, वो एक एक्सेप्शनल अपॉर्चुनिटी होगी. अगर अदरवाइज क्या हो जाएगा, आपको कोई ना कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उसको ही रिप्लेस करना पड़ेगा विद एडवांस वर्जन, विद मोर फीचर्स. इस तरह से आपको करते हैं. अब आप जब देखते हैं मार्केट एनालिसिस, जब आप करते हैं, आप देखते हैं कि सो फार एट प्रेजेंट उस मार्केट को कौन कैटर कर रहा है, उस मार्केट में उस प्रॉब्लम के लिए किसका क्या सॉल्यूशन है, क्या आप में वो कैपेबिलिटी है, क्या आप में वो खासियत है कि आपका सॉल्यूशन जो है वो उससे बेटर हो सकता है. अगर आपका सॉल्यूशन उससे बेटर हो सकता है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो. कोक और पेप्सी है ना, दीज आर द जायंट्स, दे आर रूलिंग दिस, यू नो, सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट को इन्होंने कितने सालों से कैप्चर करके रखा है. हालांकि ये दोनों आपस में कॉम्पिटिशन भी नहीं करते, इनका आपस में क्या है, काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग है. प्राइसेस भी आप देखोगे सेम ही होते हैं, बस डिफाइंड है, कुछ लोगों को पेप्सी पीनी है तो कुछ लोगों को कोक पीना है, उनका अपना आइडेंटिफाइड काइंड ऑफ थिंग है. और उनकी जो मार्केट है उसमें तीसरा बंदा कोई घुसने की कोशिश करता है, क्योंकि इन लोगों ने इतना ज़्यादा, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शायद ये रिप्लेस नहीं होंगे, हो भी सकते हैं, सम डे मे बी सम वन विद समथिंग यूनिक वो मार्केट कैटर कर लेगा उस जो स्पेस ये छोड़ रहे हैं वहाँ से. सीधी सी बात होती है, एज अ बिजनेसमैन कोई भी ये नहीं चाहता है कि जो मार्केट है उसमें छोटा सा भी स्पेस अपने कॉम्पिटिटर को दे. छोटा सा भी स्पेस अगर अपने कॉम्पिटिटर को देते हैं ना, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो एक्सपेंड हो जाता है. इसका एग्जांपल होता है मेट्रो में, देखिए ना, आपने सात लोग बैठते हैं, आठवां बंदा रिक्वेस्ट करके जब बैठता है ना,
तो वो सात के जो बाकी सात के साथ को थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब करता है, सब लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, कंफर्टेबली कोई नहीं बैठता है। फिर धीरे धीरे ये भी हो सकता है कि उसमें से किसी एक को उठना ही पड़ जाए। यही चीज़ मार्केट में भी है। अगर आप ऐसे कॉम्पिटिशन वाले मार्केट में घुसते हैं, अगर आपका प्रोडक्ट खास है, अच्छा है, तो धीरे धीरे आप बाकियों का शेयर खा जाओगे और अपना स्पेस बनाओगे। तो जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ यू आर बेटर देन यूर कॉम्पिटिटर्स, हाउ यूर प्रोडक्ट इज गोइंग टू मेक योर यू नो इम्पैक्ट इन द मार्केट। बाकियों से हटके आप कैसे बनोगे। कस्टमर फीडबैक एंड सर्वे, दिस इज अनदर वे। आप लोगों से पूछते हैं मुझे कैसे अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है, कैसे पता चलेगा मुझे, जब मैं लोगों से बात करूंगा, या फिर मैं वो प्रॉब्लम खुद फेस करूंगा, या फिर मैं लोगों से बात करूंगा कि ये प्रॉब्लम चल रही है, इसके लिए आप क्या क्या चीज़ें कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अभी जो है स्मॉग वाला पूरा माहौल बना हुआ बाहर है ना, तो ऐसे में लोग हर कोई अपने अपने हिसाब से कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि कोई जो इसका कोई नया सॉल्यूशन लेके आए कि नहीं इससे ना आप पर्सनल केयर तो कर ही सकते हो। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। सिमिलरली इंडस्ट्री ट्रेंड एनालिसिस, अदर डे आई वॉज टॉकिंग कि क्या ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। सस्टेनेबिलिटी का एग्जाम्पल मैंने उस दिन दिया था कि आज की डेट में सस्टेनेबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, ये अपने आप में एक नया मार्केट इवॉल्व कर रहा है कि लोगों को, हर किसी को थोड़ा सा एनवायरमेंट को लेके, सोसाइटी को लेके कॉन्शियसनेस है। हर कोई कहता है कि मेरा प्रोडक्ट जो है ना, वो जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स है उससे बेहतर है, इसका कार्बन एमिशन कह दो या किसी दूसरा एनवायरमेंट पे कह दो कि लेस इंपैक्ट है, आप उस चीज़ पे भी अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करते हो। स्वॉट एनालिसिस, इट इज़ वेरी क्लियर, अपना स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट सारी चीज़ें स्टडी करो। अगर आपको लगता है कि आप सर्वाइव कर जाओगे तो अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको लगता है कि नहीं कर पाओगे तो अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये जो है मेजर ट्रेंड्स इन द आइडेंटिफाइंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जैसे आज की डेट में आपने देखा होगा हर ए बी सी किसी भी फील्ड में, किसी भी डोमेन में AI कुछ भी कर रहे हैं, हर जगह पे AI टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है। आप कहते हैं कि ठीक है ये सब तो इस बेस पे कर रहे हैं, हमने इसको AI वेस्ट बना दिया है। AI वेस्ट बनाने से, उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से आप कहते हैं कि मैं कुछ नया कर रहा हूँ। जहाँ पे पुराने जो लोग हैं वो ट्रेडिशनल मेथड्स फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पे आप जो एग्जिस्टिंग डेटा है उस पर कुछ कोड्स रन करके चीज़ों को आसान, चीज़ों को कन्वीनियंट करते हो, तो आप एक नया अपॉर्चुनिटी आप खोलते हो। सोशल एंड कल्चरल शिफ्ट, चेंज इन एटीट्यूड एंड प्रेफरेंस ऑफ सोसाइटी, लोगों के अंदर जो चेंज हो, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, बहुत सारे नए ट्रेंड्स आते हैं, लोग अडॉप्ट करते हैं। स्पोर्ट्स की मैं बात करता हूँ, मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री दे प्ले व्हाट, क्रिकेट। धीरे धीरे चेंज होने लगा, फुटबॉल थोड़ा सा इमर्ज होने लगा, कुछ लोग उधर शिफ्ट हो गए, वो अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। ऐसे ही नया एक स्पोर्ट्स जो है वो मिक्स मार्शल आर्ट MMA, वो इवॉल्व हो रहा है, इमर्ज हो रहा है, बहुत सारे लोग। सो आप ये देखते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है, मैं उसमें से कैसे कर सकता हूँ, लोगों का कल्चरल शिफ्ट क्या है, लोगों की प्रेफरेंसेस कैसे चेंज हो रही है, नया क्या आ रहा है, किस तरफ जा रहे हैं, दैट इज अनदर अपॉर्चुनिटी। इकोनॉमिक फैक्टर्स, अगर आपका, एक और एग्जांपल देता हूं मैं, 2 years back क्रिप्टो बहुत ज्यादा हाइप में था, कितने सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया, लोगों ने वहां पे अपॉर्चुनिटी, कुछ लोगों ने अपॉर्चुनिटी देखी और उसमें इन्वेस्ट किया, कुछ लोगों ने अर्न भी कर लिया, थोड़ी बहुत जिसको समझ थी उन्होंने क्या कर दिया, लगाया और अच्छा खासा अर्न करके निकल आए। कुछ लोग मेरे जैसे थे, ना समझ, लगा दिया और भूल गए, लगा दिया और बाद में जब सुबह देखा तो वो काफी जो है वो लाल हो चुका था, तो फिर वो निकालने का भी कोई पॉइंट नहीं लगा। कहने का मतलब क्या है कि इकोनॉमी में क्या चीज़ें चल रही है, क्या ट्रेंड में आ रहा है, गवर्नमेंट कौन सी है, उसकी पॉलिसीज़ क्या है, फॉरेन को लेके क्या है, FDI को लेके क्या है, रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है उसका इंपैक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें क्या कर रही है, दे आर प्रोवाइडिंग यू सम अपॉर्चुनिटी एंड सम थ्रेट्स। यू नीड टू इवैल्यूएट एनवायरमेंट, एज आई सेड सस्टेनेबिलिटी की मैं बात कर चुका हूँ, पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी चेंज। आपको पता है कि एक्स गवर्नमेंट जब आती है तो उसका ना इस चीज़ के लिए प्रो रहती है, तो आपको पता है कि इस फील्ड में अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। वाई गवर्नमेंट आती है तो उसका ये चीज़ रहती है, तो वो उसमें आपको वो चीज़ें, ये कुछ एक चीज़ें हैं जहाँ से आप अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बारी आती है आइडिया असेसमेंट की, कि कोई भी आइडिया, कोई भी अपॉर्चुनिटी जिसकी हम बात करते हैं उसको असेस कैसे करें, कैसे देखें कि ये बिजनेस पॉसिबल है या नहीं है, जिसको हम कहते हैं फिजिबिलिटी, मार्केट फिजिबिलिटी या मार्केट डिमांड, यूनिकनेस, स्केलेबिलिटी, अलाइनमेंट विद द कंपनीज गोल। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा जो भी आप आइडिया करने वाले हैं, जो भी जिस भी आइडिया पे आप काम करने वाले हैं उसकी फिजिबिलिटी देखनी है।
फिजिबिलिटी अगली स्लाइड में मैं बताऊंगा, अलग अलग तरह से हम उसकी फिजिबिलिटीज देखते हैं, लेकिन बात सिंपल सी बात यह है कि आपको देखना पड़ेगा वट एवर यू आर कमिंग विद प्रोडक्ट सर्विस कुछ भी है, मार्केट में उसका क्या माहौल है, मार्केट में डिमांड है नहीं है, लोग उसको पसंद करेंगे नहीं करेंगे, पसंद से ज़्यादा ज़रूरत है या नहीं है उसकी। जब आप इस चीज़ को करोगे, दूसरी बात क्या नया है, वॉट इज़ यूनिक यू आर ऑफरिंग। अगर कुछ नया ऑफर कर रहे हो, कुछ नया दे रहे हो तो चलेगा, अगर वही चीज़ जो आज से पहले 10 लोग और कर रहे हैं आप भी वही कर रहे हो तो चलने की आसार कैसे हैं, कम हैं। स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी क्या होती है, जब हम बिजनेस की बात करते हैं ना, स्केलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आप समझते हैं क्या होता है, स्केलेबल, सॉरी एक्सटेंशन और एक्सपेंशन, एक्सटेंशन एक्सपेंशन और अब एक चीज बताता हूं, मैं बहुत अमीर आदमी हूं मान लो, हंस रहे लगे, अरे भाई मेरे हाथ पैर सब ठीक है तो अमीर ही हूं। मैंने एक मॉल स्टार्ट किया है, इन्वेस्टेड 500 करोड़ रुपीज है ना, 500 करोड़ लगाए मैंने एक मॉल बनाया, मुझे उसको एक्सपेंड करना है, क्या करना पड़ेगा, ब्रांचेज खोलनी पड़ेगी, ब्रांचेज मतलब उसी मॉल की ब्रांचेज तो नहीं निकलेगी, मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही दूसरे मॉल बनाने पड़ेंगे। एक मॉल मैंने बनाया था 500 करोड़ रुपए लगाए थे, दूसरा मॉल मैं बना रहा हूं कितने लगेंगे, 500 से ज्यादा लगेंगे, क्योंकि वो इन्फ्लेशन नाम की चिड़िया होती है, मान लो इस बार जो है वो 700 करोड़ लगे, स्केलेबल है। मैं आपको बताता हूं स्केलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपका बिजनेस जो है ना दोबारा अगर आपको उसको एक्सपेंड करने के लिए उतना ही या उससे ज्यादा अगर आपको लगाना पड़ रहा है तो वो स्केलेबल नहीं है। स्केलेबिलिटी मैं बताता हूं आपको, स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है, आपने जो कोर इन्वेस्टमेंट की है ना, अब अगर उसको आपको स्केल करना है, सही है भाई, आप लोगों का चखना चुखना सब चल रहा है क्या है, मतलब माहौल पूरा बना रखा है, इतनी ज्यादा भूख लग रही है। स्केलेबिलिटी की मैं बात कर रहा था, मान लो मैंने एक ऐप बनाया, अभी मैं सिर्फ दिल्ली में उसको यूज कर रहा हूं, अब मुझे एक्सपेंड करना है, मुझे क्या उतना ही खर्चा करना पड़ेगा, अब मेरा खर्चा अगर मुझे एक्सपेंड करना है तो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। स्केलेबिलिटी होती है जहां पे विद मिनिमम एक्सपेंसेस और मिनिमम इन्वेस्टमेंट आई एम एबल टू एक्सपेंड माय बिजनेस। ऑनलाइन जब चीजें आई ये स्केलेबिलिटी थी, मेरा बिजनेस, मैं साड़ियां बेचता हूं मान लो, और मैं साड़ी बेचता हूं एक्सवाईजेड किसी भी मार्केट में, मेरी मार्केट क्या है उस ज्योग्राफिकल एरिया में एक लिमिट है, उसके अंदर के लोग हैं। अब मैंने क्या कर दिया, आज की डेट के हिसाब से इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जैसे वो बेचते हैं ना उस तरह से बेचना शुरू कर दिया, मैंने कहा कि व्हाट्सएप पे ऑर्डर करो मैं डिलीवर करूंगा, कुछ नहीं लगा मेरा और वो स्केलेबिलिटी आ गई उसमें। विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी आई एम एबल टू स्केल माय बिजनेस, आई एम एबल टू एक्सपेंड द बाउंड्रीज ऑफ माय बिजनेस, उसको कहते हैं स्केलेबिलिटी। कुछ समझ आया, 500 करोड़ का मॉल, दूसरा मॉल बनाने के लिए फिर से 500 करोड़ ही बराबर बराबर मान के चलूं, तीसरा बनाने के लिए 5, स्केलेबल नहीं है। इसलिए जब कभी भी इन्वेस्टर देखता है तो वो ये देखता है कि इसमें चांसेस क्या हैं, अगर मुझे एक्सपेंड करने के लिए फिर से उतना ही पैसा लगाना पड़ेगा तो मैं नहीं जाऊंगा उसमें। स्केलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, टूल्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों को जज करने का टूल्स क्या है, डिसीजन मैट्रिक्स, स्कोरिंग मॉडल, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। होता क्या है डिसीजन मैट्रिक्स, कुछ ऐसी एक चिड़िया बनती है ना, ऐसी एक पिक्चर आती है जहाँ पे आपने सर्टेन क्राइटेरियाज फिक्स कर रखे हैं, ए बी सी डी, आपके पास 4-5 तरह के आइडियाज हैं, आप उन सारे आइडियाज को उनके हिसाब से मार्क्स देते हो और उन मार्क्स के बेस पे आप देखते हैं कि कौन सा आइडिया जो है वो बेस्ट फिट बैठ रहा है, उसको आप पिक करते हैं, उसको हम कहते हैं डिसीजन मैट्रिक्स। पूरा प्रोसेस के साथ इसमें बताया कि फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करो कि किस बेस पे मुझे चेक करना है कि ये आइडिया बेस्ट है या नहीं है। जब मैंने क्राइटेरिया सेट कर लिया, अब मैं एक एक आइडिया जो है मेरे पास, हर एक आइडिया को इवैल्यूएट करूंगा उस क्राइटेरिया के बेस पे। आपने एक चीज देखी होगी, आर्मी में भर्ती होती है ना, रिक्रूटमेंट जब होती है उनका एक फिक्स क्राइटेरिया होता है, हाइट है, रनिंग है, ग्राउंड जिसको हम टेस्ट कहते हैं, उन्होंने अपना फिक्स कर रखा है, जो इस क्राइटेरिया को पूरा करेगा वो पास, जो फेल
उन्होंने वो क्राइटेरिया. सिमिलरली जब हम आइडियाज को इवेल्युएट कर रहे हैं तो अपने पास भी वो एक क्राइटेरिया, स्टैंडर्डाइज क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए. हर एक आइडिया को उस पर इवेल्युएट करो, उसके हिसाब से इन स्कोर को जज करो, वेट दे दो, उसके बेस पे हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं. मैं आपको बताता हूँ, जब आपके आइडियाज वेट होते हैं ना, मान लो आपने कहीं पे प्रेजेंटेशन दिए, आपने आइडिया प्रेजेंट किया कि मुझे ये बिजनेस करना है, वहाँ पे जो ज्यूरी होती है उनका ना फिक्स पैरामीटर होता है कि यूनिकनेस कितनी है इस आइडिया में, इनोवेशन क्या हो रही है, क्रिएटिविटी कितनी है, टीम कैसी है, स्केलेबिलिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें. और उनके उसके हिसाब से उन्होंने मार्क्स भी रखे होते हैं कि हाँ, टीम जिसकी मैंने बात की है ना, कि उसमें सारी चीज़ें फिक्स होती है. और उन्होंने बता रखा होता है कि अगर इनकी टीम अच्छी है तो हाईएस्ट वेटेज होता है टीम का. मैं एक बात बता दूं आपको, क्योंकि लोग, एक चीज़ याद रखना आप लोग, पीपल डोंट इन्वेस्ट इन आइडियाज, पीपल इन्वेस्ट इन पीपल, हु द पीपल आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस. जो फाउंडर है उसका कितना इंटरेस्ट है, उसका कितनी एनर्जी है, कितना वो इन्वॉल्व है. अगर बंदा आके ही बोले सर ना ये ना मैं 2 साल के लिए करने वाला हूँ, उसके बाद मैंने तो जाना दुबई, तो वो बंदा बोलेगा भाई मैं पैसे क्यों लगाऊँ इसमें. जब आप कमिटमेंट दिखाते हो कि आई एम गोइंग टू डू दिस बिजनेस, आई एम यू नो, देन दे आस्क यू व्हाट इज़ योर विजन, हाउ यू सी, वेयर यू सी योर कंपनी आफ्टर 5 years 10 years, तो तब आप वो विजन दिखाते हैं उनको, वो कमिटमेंट चेक करते हैं. तो ये सारे जितने भी पैरामीटर्स हैं उनके बेस पे आप उनको स्कोर देते हैं, और जो ऑप्शन जो हाईएस्ट टोटल स्कोर के साथ आता है उसको मोस्ट सूटेबल जो है माना जाता है. दिस इज वन वे. कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सिंपल है, किस प्रोजेक्ट में कितनी कॉस्ट है, उससे रिटर्न कितना आ रहा है, कितने टाइम में जो है वो मेरा पैसा वापस आएगा, कितने टाइम में मैं ब्रेक इवन पे पहुंचूंगा, वो सारी चीज़ें देख के मैं डिसाइड करता हूं कि मुझे कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए. आई एम रनिंग फास्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू क्लोज दिस टॉपिक टूडे ओनली. ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर कर लूँगा. इससे भी इंपॉर्टेंट जो चीज़ मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी है, दिस इज द लास्ट स्लाइड जिसको मैं बात करने वाला हूँ, फिजिबिलिटी. ये कई बार पूछा जाता है, बहुत नटशल में मैं आपको बताऊंगा. और ज़्यादा अगर आपको इसको समझना है तो आपको बहुत डिटेल में एक एक चीज़ पे जाना पड़ेगा. वेरी फर्स्ट थिंग, फिजिबिलिटी टेस्ट हम बोलते हैं. देखो एक चीज़ है, आपने एक आइडिया जनरेट किया, उस आइडिया के अराउंड आप बना रहे हैं, बिजनेस बनाने की बात कर रहे हैं, आपको चेक करना पड़ेगा कि ये फिजिबल है भी या नहीं है. इम्पॉसिबल तो नहीं है कोई ऐसी चीज़ की जो मैंने सोचा वो हो ही नहीं सकती है. और वो फिजिबिलिटी कौन कौन से बेस पे हो सकती है, वेरी फर्स्ट थिंग इज मार्केट फिजिबिलिटी. जो भी आइडिया हम सोच रहे हैं, इज देर इज अ डिमांड फॉर दैट आइडिया इन द टारगेट मार्केट, क्या वाकई ही लोगों को ये जो प्रोडक्ट मैंने बनाने का सोचा है इसकी ज़रूरत है. अगर लोगों को इसकी ज़रूरत है तब मैं उस प्रोडक्ट को बनाऊंगा. व्हेन इट कम्स टू मार्केट फिजिबिलिटी, आप ये चेक करते हो कि क्या इस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है. अगर है तो किस तरह की है, सीजनल है, परमानेंट है, फॉर द टाइम बीइंग है. कई तरह की डिमांड हो सकती है ना, वन टाइम डिमांड है और हमने पूरा सेटअप लगा दिया, नॉट अ ब्रिलियंट आइडिया. अगर मान लो किसी एक टेम्परेरी डिमांड है, स्मॉग हो रहा है ना दिल्ली में, तो परमानेंट ही हो गया ये ना एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ तो परमानेंट ही चलेगा. मैं बोलने वाला था कि टेम्परेरी है. अगर मान लीजिए इसके लिए कोई सॉल्यूशन लेके आता है, पीक पे तो आजकल ही है और ये भी पता नहीं कितने दिन चलेगा. ऊपर वाले ने चाहा कल परसों बारिश होगी तो शायद थोड़ी राहत भी हो सकती है, उम्मीद लेकिन कम है. तो इस चीज़ को देख के अगर हम कुछ चीज़ सोच रहे तो वो टेम्परेरी है. वो करवाते हैं ना यार, वो तो करवाते हैं ना, बड़े लोग हैं ना वो. अब हम लोगों को तो खांसना ही पड़ेगा. मार्केट फिजिबिलिटी, यू नो, ये जो कस्टमर जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें हमें, जब मार्केट फिजिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने प्रोडक्ट तो बनाया ऐसा, प्रॉब्लम है लोअर इनकम ग्रुप की और मैंने उनके लिए प्रोडक्ट भी बना लिया, और लेकिन मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि वो लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, क्या ब्रिलियंट आइडिया है. सो व्हेन इट कम्स टू मार्केट फिजिबिलिटी, आई नीड टू सी ऑल एस्पेक्ट ऑफ माय कस्टमर, माय मार्केट. मैं जो बना रहा हूँ किसके लिए बना रहा हूँ, उसकी पेइंग कैपेसिटी क्या है, वो पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. एंड मैनी टाइम्स इफ द यूजर इज नॉट एबल टू पे, इज देर इज समथिंग, यू नो, समवन एल्स विल पे फॉर दैट. इफ यू रिमेंबर
अरविंद आई हॉस्पिटल केस आई डिस्कस मेनी टाइम्स, जो आंखों के ऑपरेशन की बात में बात करता हूँ, याद है आप लोगों को? बादाम खाया करो, बहुत जल्दी भूल जाते हो। उन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाया कि जो पे कर सकता है वो पूरा दे, जो नहीं कर सकता है वो आधा दे, जो बिल्कुल नहीं कर सकता उसको हम फ्री में ट्रीट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके बदले कोई और पे कर रहा है। तो वो इस तरह का मॉडल, आपको वो चीज़ समझनी पड़ेगी कि फिजिबिलिटी की जब हम बात कर रहे हैं, मार्केट फिजिबिलिटी की हम बात करते हैं, कुछ भी हो के क्या मैं अपना प्रोडक्ट जो बना रहा हूँ वो डिमांड पूरी कर रहा है, और उसके बदले में क्या मुझे जो मैं कॉस्ट लगा रहा हूँ उसके सरप्लस में पैसा आएगा या नहीं आएगा, ये चीज़ मेरे को समझना है। देन कम्स टेक्निकल फिजिबिलिटी, कैन द आइडिया बी इंप्लीमेंटेड विद द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, कि राइट नाउ व्हाट इज द टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन द मार्केट, इज दिस टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू हेल्प मी, क्या मेरा प्रोडक्ट जो इस एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के साथ काम कर जाएगा, या नियर फ्यूचर में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है कि कोई एडवांस टेक्नोलॉजी इसको मैं अडॉप्ट कर सकता हूं। अगर आपको लगता है प्लस में अगर आपका रिस्पॉन्स है तो ये फिजिबल है। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, बिल द आइडिया इज फाइनेंशियली वाइबल। फाइनेंशियली वाइबल का मतलब क्या है? मैंने इन्वेस्ट तो कर दिया 500 करोड़, रिटर्न आया 200 करोड़, दिख रहा है कि 500 करोड़ लगा के प्रोडक्ट बनेगा, जब बेचूंगा तो 200 करोड़ से ऊपर आना नहीं है, तो कैसा हो गया? फाइनेंशियली वीक है वो, उस प्रोजेक्ट को वहीं छोड़ देना चाहिए। तो मुझे देखना पड़ेगा कि कॉस्ट कितनी लग रही है, बेनिफिट कितने आ रहे हैं, व्हेन आई एम गेटिंग दैट ब्रेक इवन पॉइंट, कब मैं उसको अचीव करूंगा, उसके हिसाब से सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। मैंने बैटरी चार्जिंग पे लगा रखा था, स्विच ऑन किया नहीं था, तो ये भी एक कहानी होती है ना, तो लो बैटरी बता रहा है। ओके, देन लीगल एंड रेगुलेटरी फिजिबिलिटी, जो सॉल्यूशन मैंने सोचा है क्या मेरे देश का कानून, क्या मेरे देश का लॉ मुझे अलाउ भी करता है कि नहीं करता है, वो चीज़ भी देखना पड़ेगा कि जो मैंने सॉल्यूशन सोचा है क्या वो फिजिबल है, मैं ऐसा क्या करूं कि वो फिजिबल भी हो जाए। इसीलिए जो जितने भी ऐप्स आए ना आज की डेट में, ड्रीम 11, ये 11, वो 11, सब जो है क्या किया उन्होंने, थोड़ा सा स्विच करते हुए ऐसा कोई प्रोडक्ट बना लिया जो बैन होने के बावजूद, लॉटरी, बेटिंग, ये सारी चीज़ें क्या है, बैन है ना, उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया, कुछ कर लिया, और वो आज की डेट में हर कोई, कितने लोग टीम बनाए हुए होंगे ना, तो चल रहा है सबका। तो ये चीज़ है कि आप रेगुलेशंस के साथ कैसे, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, कैन दैट आइडिया बी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड विद द एग्जिस्टिंग सेटअप। ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी भी हम इसको कहते हैं कि जो आपकी टीम है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, क्या उस टीम, उस स्ट्रेंथ के साथ आप उसको फिजिबली कर पाओगे, इंप्लीमेंट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर आप कर पाओगे तो वो पॉसिबल है। शेड्यूल, कितने टाइम में हो जाएगा, जो मैंने सोचा है अगर इतने टाइम तक मैं इसको कर पा रहा हूं तो फिजिबल है, हो सकता है उसके बाद नहीं। फॉर एग्जाम्पल, विंटर क्लोथ्स में डील करता हूं, विंटर क्लोथ्स में डील करने का मतलब क्या है, अभी तक मेरा प्रोडक्ट मार्केट में आना चाहिए क्योंकि विंटर्स आ गए हैं, और मैं देख रहा हूं कि मेरा प्रोडक्ट आ ही मार्च में रहा है मार्केट में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? शेड्यूल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो बाय एक्सप्लोरिंग ये जो जितनी भी स्लाइड्स हैं, ये सारी चीज़ें देख के आपको इतना तो आइडिया हो गया कि एक आइडिया जब होता है उस आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करने तक क्या क्या चीज़ें अपने को करनी होती है, कैसे अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे उसको हम चेक करते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके हम सारे साथ हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा यूनिट जो है वो यूनिट 3 था। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई शंका सवाल है तो यू कैन आस्क मी। जी अब आप बंद कर सकते हो उसको, बाय करना जरूरी है ना।